Lair sawe la mala. Give us a bit of the Lama, number, number, yes.
Thank you.
आप सभी को प्रणाम। आज परम पावन दलाई लामा जी के 83वें जन्मदिन समारोह के अवसर पर सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं संस्थान के माननीय कुलपति प्रोफेसर गेसे नवांग शमतेन जी, जो अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर टी एन सिंह जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर के पी पांडे जी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण जिन्हें मंच पर अपना स्थान ग्रहण करना है, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं मंचासीन अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर और परम पावन दलाई लामा जी के सिंहासन पर खतक अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष जी एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपक प्रतीक है हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का। झंझावातों में हमें शक्ति देता है लड़ने की, गहन अंधकार के बीच में हमें राह सुझाता है। ऐसे दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण। समारोह के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, मुख्य अतिथि जी द्वारा परम पावन के सिंहासन पर खतक अर्पित करते हुए उन्हें अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा
अर्पित की जा रही है। परम पावन दलाई लामा जी को खतक अर्पित करने के हेतु मैं सभागार में उपस्थित परम आदरणीय भिक्षु सुमेध थेरू जी हेड जम्बूद्वीप सारनाथ से अनुरोध कर रहा हूं कि आप मंच पर पधार करके अपना सम्मान अपनी श्रद्धा परम पावन जी के चरणों में अर्पित करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लल्लन मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे भी आदर के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि परम पावन के सिंहासन पर खतक अर्पित करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेश द्विवेदी जी से सादर अनुरोध है कि आप परम पावन के सिंहासन पर खतक अर्पित करके अपनी श्रद्धा निवेदित करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित हुआ था पिछले दिनों, जिसका उद्घाटन परम पावन दलाई लामा जी ने किया था। वह पुस्तक प्रकाशित हुई है और प्रोफेसर रमेश द्विवेदी जी उस पुस्तक के साथ पूरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उस पुस्तक को परम पावन के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और इस क्रम में मैं डॉक्टर पेम्पा दोर्जे जी से आग्रह अनुरोध कर रहा हूं कि संस्थान के विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जी का से अनुरोध करें, जिससे कि वे खतक अर्पित कर सकें। प्रोफेसर बंगजू दोर्जे नेगी जी, डीन मूल शास्त्र, प्रोफेसर देवराज सिंह जी, डीन सोशल साइंस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, प्रोफेसर चंबा समदिन जी एट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशल साइंसेस, वेनरेबल लोसा ग्यालसिन जी, गेशे लोसा ग्यालसिन जी, संप्रदाय शास्त्र, डॉक्टर डी डी चतुर्वेदी जी, फैकल्टी ऑफ संस्कृत, डीन डॉक्टर लोसर यानपिल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मूल शास्त्र, डॉक्टर लखपत सिंह जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टिबेटन लैंग्वेज, डॉक्टर चंबा छिम्बिल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ज्योतिष शास्त्र, वेनरेबल लुंगरी लोंदिन जी, डीन ऑफ द स्टूडेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द बोन संप्रदाय, श्री सिरिंग तुंडुप जी, डायरेक्टर सीईटी, वेनरेबल ज्ञानसेन नामडुल जी, द हेड ऑफ द रेस्टोरेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर बेमा तिनसिन जी, द हेड ऑफ द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एंड पब्लिकेशन, डॉक्टर रमेश नेगी जी, हेड ऑफ द डिक्शनरी, and Shri Jigme ji, the head of the fine arts department. Dhanyawad. Cha cha. Hamare beech mein Professor Raja Ram Shukla ji, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार चुके हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि परम पावन के सिंहासन पर खतक प्रदान करके माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अपना सम्मान अपनी श्रद्धा निवेदित करें। प
परम पावन दलाई लामा के चरणों में खतक अर्पित करके। हमारा मंच पूरी तरह से समृद्ध और पूरित हो चुका है और अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण से हम करेंगे। मैं भोट भाषा में मंगलाचरण हेतु तिब्बती छात्रों को साग्रह आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विदित है कि यह वर्ष इस संस्था का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस गौरवमयी संस्था ने अपनी यात्रा के 50 वर्ष पूरा किए हैं, जिसका स्वर्ण जयंती वर्ष इस बार बहुत ही गरिमा के साथ मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे तथा इस संस्थान के माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंचासीन सम्मान्य अतिथियों को इस अवसर पर प्रकाशित सोविनियर और आदर सूचक थंकास को प्रदान करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को थंका और सोविनियर प्रदान किया गया। ये संस्थान की स्मृतियां हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को आदरपूर्वक अपनी स्मृतियों को भेंट करते हुए माननीय कुलपति जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर के पी पांडे जी को आदर के साथ इस स्मृतियों को भेंट करते हुए कुलपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम सब यहाँ एकत्र हैं परम पावन दलाई लामा जी के 1300वें जन्म दिवस समारोह के अवसर पर। आज का यह समारोह मात्र एक औपचारिक समारोह नहीं है जन्म दिवस का, बल्कि एक बहुत ही गरिमामय और दूर तक संदेश देने वाला समारोह है। आज का यह समारोह करुणा, मैत्री, प्रेम, मानवीय मूल्यों तथा सार्वभौम दायित्वों से भरा हुआ समारोह है। आज का यह समारोह एक ऐसा संदेश देने वाला समारोह है जहां हम वर्तमान समय की पूरी विश्व की समस्याएं एक तरफ हैं और एक तरफ परम पावन का संदेश है, उनका जीवन है, उनकी जीवन यात्रा है। भगवान गौतम बुद्ध हिमाच्छादित हिमालय हैं और परम पावन उसी धर्म और दर्शन के मूल तत्वों से युक्त कलकल छल छल बहती हुई सरिता हैं जो तप्त धरती का दाह मिटाने के लिए निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं अपने संदेशों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा। आज पूरा विश्व आतंकवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा की विभीषिका से पूरी तरह से त्रस्त है। तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। प्रकृति निरंतर उपेक्षा और अपने हो रहे लगातार दोहन से मानव का अस्तित्व खतरा से भर गया है। ऐसी स्थिति में, इस भयावह स्थिति में हमें परम पावन दलाई लामा के विचारों, उनके सिद्धांतों को जानने समझने की आवश्यकता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने विश्व मानवता के लिए एक सूत्र दिया था, नहि वेरेन वेरानी सामंतीध कुदाचन अवेरेन सामंतीध एष धम्मो सनंतनो। यह सूत्र अगर यह विश्व अपनाया होता तो शायद आज वह भयावह स्थिति नहीं होती। परम पावन जी का जीवन मानवता के कल्याण के लिए किए गए उनके प्रयास शायद इसी सूत्र की व्याख्या है, इसी सूत्र का विस्तारीकरण है, इसी सूत्र का व्यवहारवाद है। आज हिंसा और उन्माद से त्रस्त विश्व मानवता कातर दृष्टि से परम पावन की ओर निहार रही है। कामायनी में इसी भूमि से प्रसाद जी ने लिखा था, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। शायद यह मंत्र है पूरे विश्व के सुखी होने का। सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। यहीं से विश्व मानवता के लिए प्रेम, अहिंसा, मुदिता का संदेश पूरे विश्व में गूंज उठा था। आज उसी सारनाथ में परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन के बहाने एक बार फिर विश्व मानवता के कल्याण के लिए चिंतन हो रहा है, विमर्श हो रहा है, और शायद यहीं से विश्व की मानवता के लिए एक संदेश फिर से जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप सभी का स्वागत करने के लिए और विषय की प्रस्तावना के लिए मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर वांगचुंग दोरजी नेगी जी से। आप आवें, सभी का स्वागत करें और संबंधित विषय को प्रतिष्ठित करें। माननीय दोरजी नेगी जी। अनिरोधम, अनुत्पादम, अनुच्छेदम, अशाश्वतम, अनेकार्थम, नाना अर्थम, या प्रतीत्य समुत्पादम, उष्मम शिवम, देशिमासा तम बुद्धस्तम, वंदे वदताम वरम। यह भारतवर्ष की सनातन परंपरा है कि हम अपने पूजनीयों की पूजा करें, अपने पूजनीयों का सम्मान करें। ऐसा करना जो है महापुण्य का कार्य होता है। आज हमें परम पावन 14वें दलाई लामा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो
पुण्य संचय का अवसर मिला है। इसमें संस्थान परिवार के द्वारा आमंत्रित मंचासीन अति विशिष्ट गणमान्य जनों का मैं संस्थान परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार बनारस जनपद के विभिन्न विश्वविद्यालयों से तथा संगठनों से, संस्थानों से तथा व्यक्तिगत रूप से जो परम पावन दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं, उन सब का भी मैं जो है हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं विषय प्रस्तावना से पूर्व जन्मदिन पर दो शब्द मैं अपना विचार आपके सामने रखने चाहता हूँ। मेरे दृष्टि में जब हम जन्म दिवस कहते हैं, ऐसा लगता है ये जो है हमारा पाश्चात्य संस्कृति का जो है हमारे ऊपर प्रभाव है। इसका कारण यह है क्योंकि जो थीस्ट हैं, ईश्वरवादी हैं, सृष्टिकर्ता हैं, उनकी ये मान्यता है कि मनुष्य का एक ही जीवन है, ना पूर्व जीवन होती है, हाँ पर कयामत के समय में एवरलास्टिंग पीस या नरक तो होती है, उसके अतिरिक्त दूसरा जीवन नहीं होता है। अतः इसके चलते जो है सृष्टिकर्ता का जो मानव है, जो क्रिएशन में सर्व उत्कृष्ट क्रिएशन माना जाता है, इस दृष्टि से जो है एक प्रकार से जन्मदिन जो है तो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना तथा उनको एक प्रकार से थैंक्स के रूप में मैं समझता हूँ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि आज हम गांव-गांव में जब संतान पैदा होती है तो हम जन्मदिवस मनाते हैं, मैं समझता हूँ क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार इस संसार को दुम्मे कहा गया है, जो पूर्व जन्म और परिजन्म को मानते हैं। हमारा इस संसार में जन्म होने का मुख्य कारण जो है राग द्वेष और मोह तथा तृष्णा के चलते हम इस संसार में जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ जो है चार पुरुषार्थों में, जो हम काम कहते हैं, जो हम अर्थ कहते हैं, धर्म कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अंतिम हमारा उद्देश्य जो है मोक्ष है। इस दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो संसार में जन्म ले जाने जो है कोई हर्षित होने और उल्लासित होने का प्रश्न नहीं है, जो कि हम जो बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन निश्चित रूप से है ये, जैसे कि गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य क्लानि भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तत् आत्मनाम सजामि अहम परित्रायण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवामि युग युग। अर्थात वो कल्पना जो है यह है कि जब जब इस पृथ्वी पर असत्य अधर्म का प्रचार होता है, ऐसे समय में ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। इसलिए हम रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में तो हम मनाते हैं, लेकिन एक सामान्य के लिए जो है जन्मदिवस जो है मनाना जो है कहाँ तक उपयुक्त है, इस पर जो निश्चित रूप से विद्वत वृंद को जो है विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। और दूसरी दृष्टि से जब मैं चिंतन की दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से जब मैं देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि महायान के अतिरिक्त जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे वो सांख्या हो, न्याय हो, वेदांत हो या मीमांसा हो, इवन बुद्धिज्म में भी थेरवाद को लें, तो हम लोगों का चरम उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य हम जो मोक्ष और मुक्ति की कामना करते हैं। मोक्ष और मुक्ति वो है पूर्ण रूप से दुख से, अति दुख से ऊपर उठना, तो वो जो नितान व्यक्तिगत है। तो लेकिन यहां पर मैं समझता हूं महायान का एक बहुत बड़ा योगदान है, महायान का एक बहुत बड़ा क्रांति है। महायान ये कहती है कि बुद्धो भवेयम जगतो हिता है। महायान का उद्देश्य प्राणी कल्याण करना है, जगत का हित करना है। यहां तक कि बुद्ध की प्राप्ति क्यों चाहता है, अपने सुख और शांति के लिए नहीं चाहता है, अपने मुक्ति के लिए बुद्ध की प्राप्ति नहीं करता है, बुद्ध की प्राप्ति की कामना का कारण जो है वो जो है जगत का हित करने चाहता है, प्राणियों का कल्याण करने चाहता है। प्राणियों का कल्याण ही महायान का उद्देश्य है। यही कारण है कि महायानियों के द्वारा, जैसे कि
बोधिचार्य अवतार में शांति देव कहते हैं, आकाशत से स्थिति यावत यावत च जगत स्थिति तावत महम स्थिति बूढ़े जगत दुखानी निघनता। अर्थात वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं बोधिसत्व लोग, जब तक ये आसमा आकाश रहेगी प्राणी रहेंगे, जब तक प्राणी रहेंगे तब तक मैं भी इस दुनिया में पुनः पुनः जन्म लेकर के दुखियारों का प्राणियों का कल्याण करते रहूंगा। यह जो है महायान का उद्देश्य है। वहीं पर जो है शांति देव जी ये कहते हैं कि वैसे कभी कभी मैं ये देखता हूँ जैसे कि पाश्चात्य दर्शन बहुत धर्म को एक प्रकार से निराशावादी दर्शन के रूप में देखते हैं। मैं समझता हूँ उनका अध्ययन जो आधा अधूरा है। उनका जो है मापदंड जो है क्या है, जो तथागत बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय में दुख आ रहे सत्य कहा था, उसी को आधार मान करके ये सोचते हैं कि संसार दुख है क्योंकि उसका कारण जो है क्या है, समुदाय सत्य जो है कृष्णा कृष्णा ये है। जबकि महायान के अनुसार जो है जिस प्रकार व्यक्ति तृष्णा के द्वारा जन्म लेता है तो उसी प्रकार वो करुणा से प्रेरित होकर के प्राणियों का हित के लिए जन्म लेता है। यही कारण है कि शांति देव जी ने ये कहा है कि जब क्योंकि बोधिसत्व लोग पुण्य का संचय करते हैं इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक पीड़ा नहीं होती है। वस्तु की वास्तविकता को जो है बोधिसत्व लोग जानते हैं, असार को असार, सार को सार, अनित्य को अनित्य, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार की चित्त की परेशानी नहीं होती है। जब व्यक्ति के अंदर न शारीरिक पीड़ा है न मानसिक परेशानी है तो व्यक्ति करुणा से प्रेरित होकर क्यों इस संसार में जन्म नहीं लेगा। इसलिए बोधों से विशेषकर महायान की दृष्टि से मेरा मानना है संसार दुख नहीं है, संसार दुख है उन लोगों के लिए दुख है जो कृष्णा से वशभूत होकर कृष्णा के द्वारा जन्म लेते हैं उनके लिए संसार दुख है। जो पुण्य से प्रेरित होकर के जो मिथ्य दृष्टि का परित्याग करके वास्तविकता को जान करके जो जन्म लेता है उसके लिए दुख कहाँ है, यही तो स्वर्ग है। इसलिए जो है महायान की दृष्टि में इस संसार को जो है एक प्रकार के स्वर्ग के रूप में, परोपकार का एक प्रकार से आधार के बेस के रूप में देते हैं। इसी सातत्य में आप देख सकते हैं आज परम पावन दलाई लामा जी का जो है 14वें परम पावन दलाई लामा जी का है। इन्होंने जो है आज तक 14 बार जन्म लिया है, क्यों, प्राणियों के हित के लिए करुणा से प्रेरित होकर के जन्म लिया है। इसलिए इनका जो भी मैं समझता हूँ आचरण है, जो भी सोच होगा प्राणी मात्र के लिए है, इसमें दो राय नहीं हो सकता है। उनमें अपना व्यक्तिगत, क्योंकि बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व का काम क्या है, परोपकार। इसलिए जहाँ मैं परम पावन जी के, यद्यपि परम पावन जी का उद्देश्य जो है बहुआयामी है, वो जो है पर्यावरण पर बोलते हैं, मानव अधिकार पर बोलते हैं, वो जो विश्व शांति की बात करते हैं, परस्पर धर्म सहिष्णुता की बात करते हैं, और वो स्वयं जब विदेशों में जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एंशियंट इंडियन नॉलेज का एक प्रकार से दूत हूँ, एम्बेसडर हूँ, ये वो जो है जहाँ भी जाते हैं वो ये कहते हैं। मेरे दृष्टि में परम पावन जी के दृष्टि के अनुसार जो संसार में अभी समस्याएं हैं उसका कारण जो ये है कि व्यक्ति, हम अपने को नहीं पहचान पा रहे व्यक्ति आखिर क्या है। प्राय व्यक्ति हम जड़ के रूप में मान के बैठे हैं, जैसे कि आज विज्ञान भी मानती है एक प्रकार से चित्त का स्वतंत्र अस्तित्व होता नहीं है, शरीर मात्र है, भौतिक मात्र है, पिंड मात्र मान करके जो है समस्याओं का जड़ जो है क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में नहीं जानना है। क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है सिर्फ जड़ मात्र नहीं है, जड़ और चेतन का समन्वय रूप है, जड़ और चेतन। जिस प्रकार जड़ के लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बहुत सारे चाहिए, योग चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारे चित्त की शांति के लिए भी जो है शील समाधि प्रज्ञा के बिना जो है कभी चित्त शांत नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ आज का युग, आज के समाज में जो है एक प्रकार से लेकिन कमियाँ हैं, वो जो है हम जो है एक प्रकार से नैतिक पक्ष को, चित्त के पक्ष को जो है हम जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए परम पावन दलाई लामा जी बार बार एजुकेशन में भी आप कहते हैं इमोशनल हाइजीनिक की बात जो है जहाँ भी जाएँ बात करते हैं। जब तक हम इमोशन के बारे में, हमारे अपनी भावनाओं के बारे में विचार नहीं करेंगे,
तो जेन्युइन शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैं समझता हूँ इस पर जो है हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता। वास्तव में हम अगर जेन्युइन शांति चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर के लिए रोटी और कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, उसके बिना व्यक्ति जो है स्वस्थ और शांति जीवन नहीं जी सकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जो है हम करुणा, मैत्री और मानवीय गुणों के प्रति हम सावधान नहीं होंगे, तब तक जो है हम जीवन शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मैं परम पावन की सबसे बड़ी विशेषता में ये देखता हूँ कि वो जो है आज जो है एक प्रकार से जो उन्होंने एक ग्रंथ, यद्यपि उन्होंने 120 से भी ज़्यादा स्वतंत्र रूप से और को एडिटर के रूप से 120 से भी ज़्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखा है, जिसमें से उसमें से जो है आप देखते थे यूनिवर्स इन ए सिंगल एटम करके जो ग्रंथ लिखा है, जो को एमर्जेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे साइंस और अध्यात्म जो है एक स्टेज पर बात कर सकते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। गत 30 वर्षों से जो है विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रकार जो है एक प्रकार से उन्होंने जो है यूनिवर्सल इथिक्स के रूप में जो बियॉन्ड रिलीजन करके है ना, इथिक्स फॉर द वर्ल्ड करके लिखा है। कुल मिला करके मैं परम पावन दलाई लामा जी का जहाँ भी उपदेश होता है, जहाँ भी लोगों के साथ उनका डायलॉग होती है, तो मैं देखता हूँ वो जो है करुणा से द्रवीभूत होकर के मानवीय पक्ष का उजागर करने की बात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। परम पावन जी स्वयं अपने को जो एक सामान्य मंक के रूप में मानते हैं, कभी भी उन्होंने जो है अपने को जो है विशेषता दिखाने का प्रयत्न कभी भी नहीं किया, ये होना चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं कि प्राणी मात्र जो है पंच महाभूतों से बना है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 6-7 महाभूतों से बना हो और कोई 2-3 महाभूतों से बना हो, सभी पंच महाभूतों से बना है, जड़ और चेतन का रूप है। तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा, भेदभाव क्यों है, ऊंच नीच क्यों है? जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, मैं समझता हूँ विषम में जेन्युइन शांति की स्थापना नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण यह है कि जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे दूसरा भी सुख चाहता है, जैसे हम दुख नहीं चाहते दूसरा भी दुख नहीं चाहता है। इसलिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यही आप लोगों से यही कहने चाहूँगा, परम पावन भी जी यही कहते हैं, भले ही आप मेरे जन्मदिवस को मनाएं या ना मनाएं, लेकिन जो मैं कहता हूँ अगर उसका आप अनुकरण करते हैं तो वो जो है मेरा जन्मदिवस समारोह मैं उसको मानूंगा। इसलिए मैं आशा करूँगा आप सबसे कि जैसे कि दलाई लामा जी स्वयं खुद कहते हैं और वास्तविकता भी है, हम सब पंच महाभूत प्लस चेतना से बने हैं, है ना, कोई हमारे अंदर विशेषता कहीं नहीं है। इसलिए एक रूपता समानता का भाव जो है हर व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए, तब जा करके जो है हम जेन्युइन शांति की कामना जो है हम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत से वक्त हैं, मैं संस्थान के कुलपति जी को धन्यवाद देने चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर दो शब्द बोलने का दिया है, तो शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी जी ने आप सभी का स्वागत किया और विषय प्रस्तावना के रूप में आज के इस अवसर की गहन दार्शनिक व्याख्या भी हमारे सामने प्रस्तुत की, और इसी के साथ परम पावन के करुणामय व्यक्तित्व पर भी आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में वाराणसी मंडल के आदरणीय आयुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ संस्थान की ओर से, आप सभी की ओर से, तथा माननीय कुलपति जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे संस्थान की ओर से सोविनियर और उनको स्मृति चिन्ह थंकास, और इसके पूर्व एक अनुरोध और करूंगा कि माननीय विशिष्ट अतिथि दीपक अग्रवाल जी परम पावन के चरणों में खतक अर्पित करके अपनी श्रद्धा निवेदित करें, तत्पश्चात माननीय कुलपति जी अपनी स्मृतियों को भेंट करेंगे। आज के इस अवसर पर
काशी के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मान्य विद्वतगण उपस्थित हैं, सारनाथ तथा अन्यत्र बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिरों के भिक्षु आदरणीय लोग उपस्थित हैं। हम सभी से सुनना चाहते हैं लेकिन समय की एक सीमा है। एक अनुरोध के साथ, बहुत विनयवत अनुरोध के साथ आने वाले वक्ताओं से जरूर निवेदन करूंगा कि वे 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें। और इस क्रम में हमारे सम्मुख बैठे हुए भिक्षु आदरणीय, हम सबके श्रद्धेय, जिन्होंने काशी को भी जिया है श्रीलंका से यहाँ रहते हुए, परम आदरणीय भिक्षु सुमेध थेरो जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आवें और आज के इस अवसर पर अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन दें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगल मुत्तमं। इद भिक्खवे लोके एको पुद्गलो उपपद्यति सो अत्ता हिताय देव मनुस्सानं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। आज इस जगह में उपस्थित परम पूज्य भिक्षुगण, केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय में कुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर नवान समतेन जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय आयुक्त महोदय, काशी विद्यापीठ में वाइस चांसलर और संस्कृत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर एवं प्रोफेसर पांडे जी, उपस्थित अन्य विद्वद्गण, भगवान बुद्ध ने एक अवसर पर अपना उपदेश में ये संदेश दे दिया, इसी विश्व में एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो इसी संसार के लिए, समाज के लिए, देव मनुष्य सभी लोग के लिए कल्याण कर रहा है, कल्याण का काम कर रहा है। वो भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती महाराज और महान सेंत। उसी क्रम से हम लोग का परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिन अवसर पर, फिर स्वर्ण दलाई लामा जी का बेहतर भविष्य के लिए और सुखी दीर्घायु संपत्ति के लिए, और उनका समाज धार्मिक सेवा आगे बढ़ाने के लिए शुभकामना देने के लिए, सर्वप्रथम सारनाथ में विभिन्न बौद्ध मंदिर, बौद्ध संस्था, भिक्षुगण सभी लोग तरफ से हम लोग प्रार्थना करें। और साथ साथ आज इसी सभा आयोजन कर लिया हम लोग का परमा श्रद्धेय वाइस चांसलर प्रोफेसर नवाम समतेन जी और तिब्बती संस्था में अध्यापकगण, छात्रगण एवं टिबेट में, नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में, सिंगापुर में, मलेशिया में और विश्व में कोने कोने विभिन्न देश में हर जगह में आज का दिन में परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिन शुभ अवसर पर उनको सम्मान और आदर, उनका आशीर्वाद लेने के लिए विश्व भर हर जगह में उपस्थित सभी लोग को भी हम लोग प्रार्थना देता हूँ। साथ साथ पिछले 60 दशक अंदर हिस्सोलिनस दलाई लामा जी द्वारा भगवान बुद्ध का संदेश, करुणा, अहिंसा, मैत्री और समाज कल्याण का संदेश के साथ साथ विश्व में शांति के लिए योगदान दे दिया, जो भी कुछ वो
हम लोग अप्रिशिएट करता हूँ और ये चीज आगे बढ़ाने के लिए इसी मंच में हम लोग प्रार्थना करता हूँ। हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जन्म पहला विश्व युद्ध में बाद और दूसरा युद्ध में पहले हुआ और भारत में हिज होलीनेस आया उसी वक्त में नया इंडिपेंडेंट भारत था और 2500 साल बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन का माहौल था। साथ साथ भारत में बौद्ध पुनर्जीवन का वो प्रयास भी था और श्रीलंका से अनगा के धर्मपाल जी आकर महाबोधि सोसाइटी स्थापना कर लिया और बाबा साहब अंबेडकर जी इसी देश में बौद्ध धर्म ग्रहण कर वो संदेश ये भारत देश में अंदर जागृत करने का प्रयास में था और कृपासन महास्थवीर बांग्लादेश से आकर बंगाली बुद्धिस्ट सोसाइटी स्थापना कर लिया। बंते चंदमुनि बर्मा से आकर ये बुद्ध विहार स्थापना कर बौद्ध धर्म का प्रचार का काम शुरुआत कर लिया। इसी बीच में भारत में राहुल संकोत्यायन, जगदीश काश्यप, आनंद कौशल्यायन आदि महान भिक्षु और बौद्ध अनुयायी लोग बौद्ध धर्म पुनर्जागरण के लिए प्रयास करते था। उसी वक्त में हिज होलीनेस दलाई लामा जी भारत में तेरवाद, महायान, वज्रयान जो भी कुछ बौद्ध संस्था संप्रदाय था ये संस्था संप्रदाय द्वारा जो भी कुछ कार्यक्रम कर लिया वो आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान हिज होलीनेस ने दे दिया। और साथ साथ 1893 में अनगायक धर्मपाल जी वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में जाकर अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड डेप्ट बुद्ध का संदेश सबसे पहले यूरोप में 1893 में दे दिया। उसी वक्त में स्वामी विवेकानंद भारत से जाकर वेदांत और हिंदू रिलीजियन यूरोप में इंट्रोड्यूस कर दे दिया 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट द्वारा। और हिज होलीनेस दलाई लामा जी पिछले 60 दशक अंदर भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण, भगवान बुद्ध का संदेश आगे बढ़ाने के लिए और अन्य विदेश में दुनिया में हर कोण में भगवान बुद्ध का शांति का संदेश के साथ साथ भारतीय संस्कृति और धर्म और फिलोसॉफी आगे ले जाने के लिए बहुत योगदान दे दिया। ये चीज हम लोग इसी जगह में अप्रिशिएट करता हूँ। और तिब्बती इतिहास में हमने सुना भगवान बुद्ध का वक्त में 6th सेंचुरी में सावस्ति में कौशल महाराजा का एक पुत्र उसी वक्त में तिब्बत गया और फिर भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 8th शताब्दी में नालंदा से आचार्य पद्मसंभव और 11th शताब्दी में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से असीत दीपंकर ये लोग का जान से तिब्बत का बौद्ध धर्म का जागरण शुरुआत हुआ। और 5th हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने पोतला पैलेस का स्थापना कर लिया और 13th हिज होलीनेस दलाई लामा जी और तिब्बत में और रूसिया, ब्रिटिश और चाइना तरफ से आया प्रहार ए प्रहार से मुक्त करने के लिए और तिब्बती आज़ादी के लिए बहुत योगदान दे दिया। इसलिए पिछले 800 साल अंदर और ये दलाई लामा जी का पद में और 5th और 13th हिज होलीनेस दलाई लामा जी ग्रेट दलाई लामा जी रूप में स्वीकार कर रहा है और हम लोग का 14th हिज होलीनेस दलाई लामा जी आज का जवान में एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन एरा में रिलीजियन और पॉलिटिक्स और संस्कृति फिलोसॉफी ये सारा सब कुछ अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ इसी एरा में एक महान धर्म गुरु रूप में एक शांति का संदेश देने वाला
महान धर्म प्रचारक रूप में हम लोग का सामने है, और पहला प्रीस्ट है, हमको लगता है पहला प्रीस्ट है नोबेल प्राइज मिला, और भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी को आर्ट्स और कल्चर और तेरेसा मदर को सोशल वेलफेयर के लिए शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। हिस होलीनेस दलाई लामा जी एक धर्म गुरु रूप में हमको लगता है विश्व में सबसे पहला मंक है, वो नोबेल पीस प्राइज मिला उनका योगदान के लिए, और बहुत हम लोग का एक गौरव का चीज है। और साथ साथ दुनिया में विश्व में हम लोग का थेरवाद महायान वज्रयान तीनों स्कूल में पिछले 100 साल पहले हम लोग का 21st सेंचुरी में डिफरेंस था, ये सब कुछ दूर कर कर और समाज में विषमता था ये दूर करते समाज इकट्ठा करने के लिए, और बुद्ध का करुणा अहिंसा का संदेश ले जाने के लिए महान योगदान दे दिया, ये सब कुछ अप्रिशिएट करते। आजकल महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसा महान लोग का सामने हिस्सों ने दलाई लामा जी का नाम हम लोग ले रहा है एक धर्मगुरु रूप में विश्व का शांति का संदेश देने वाला। तो ओ इसी शुभ अवसर पर पिछले 60 साल अंदर हिस्सों ने दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति के लिए और धर्म का प्रचार के लिए समाज का कल्याण के लिए जो भी कुछ योगदान दे दिया वो अप्रिशिएट करते। सारनाथ में बुद्ध मंदिर बौद्ध संस्था और भिक्षु बौद्ध सोसाइटी तरफ से हम लोग प्रार्थना करें सुखी दीर्घायु संपत्ति के लिए वो सेवा आगे बढ़ाने के लिए। साथ साथ हम लोग का परम पूज्य श्रद्धेय नवाम समतेन जी और उपस्थित आप सभी लोग को प्रार्थना करता हूँ, हम लोग भगवान बुद्ध नहीं देखा और भगवान बुद्ध का संदेश उनका सामने सुनने के लिए मौका हमको नहीं मिला, फिर भी हिस होलीनेस दलाई लामा जी 2600 साल में बाद हिस होलीनेस दलाई लामा जी देखते आजकल दुनिया में हिंदू होगा बुद्धिस्ट होगा क्रिश्चियन होगा इस्लाम होगा और थेरवाद होगा महायान होगा वज्रयान होगा सभी लोग सर्व संपत्ति से हम लोग स्वीकार कर रहा है एक ए लिविंग बुद्ध है। हम लोग का सामने एक बुद्ध आ गया हम लोग का जवान में, और साथ साथ बुद्ध का दिल में जो भी कुछ करुणा था प्रेम था अहिंसा का संदेश था ये चीज हम लोग ने ही सुनने दलाई लामा जी का दिल से देख रहा है, और हम लोग को अवसर मिला हिस होलीनेस दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और उनका जन्मदिन पर वो हिस होलीनेस दलाई लामा जी के लिए प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला। ये हम लोग का जीवन में एक बहुत भाग्यशाली अवसर है, और इसी अवसर पर आप सभी लोग का बेहतर भविष्य के लिए प्रार्थना करते विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए, और अब इस क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन काशी हिंदू विश्वविद्यालय को आमंत्रित करता हूं इस अवसर पर अपने संक्षिप्त और महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। माननीय प्रोफेसर जैन जी। आदिनाथ समारंभाम ज्ञान सागर मध्यमाम विद्या सागर पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम नमो अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय समतेन जी, पूज्य भिक्षु संघ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति महोदय टी एन सिंह जी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य
राजा राम जी शुक्ल जी, माननीय आयुक्त जी और मंचासीन अन्य विद्वजन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, इधर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हुए आचार्य रमेश कुमार द्विवेदी जी, आदरणीय अधिकारी जी एवं अन्य समस्त विद्वजन माताओं बहन, वस्तुतः आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। दो बातों को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए। एक तो इस तिब्बतन शिक्षा संस्थान का ये 50वां स्वर्ण जयंती समारोह, 50वां वर्ष है जो स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। और प्रसंग दूसरा जुड़ा परम पूज्य दलाई लामा जी के 83वें जन्म महोत्सव मनाने का। किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष पूर्ण हो जाना बहुत महत्व की बात है। और इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या पाया और क्या खोया। एक सिद्धांत है, योग क्षेमम वहाम्य हम, जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करना, और जो वस्तु हमें प्राप्त है उस वस्तु का संरक्षण कैसे हो इसके लिए विचार करना, ये मुख्य बातें हैं। भगवान बुद्ध ने गया से आकर के और सारनाथ तक वो आए थे, और इसी सारनाथ में जो शिक्षा संस्था जिसमें कि हम लोग उपस्थित हैं पूज्य दलाई लामा जी के माध्यम से खोली गई, और निश्चित रूप से ये बहुत सहज था, स्वाभाविक था। जब भगवान बुद्ध वहां से आए तो उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया। ये भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है। उस उपदेश स्थली में, और जब हम एक विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ स्थापना हुई और हम लोग जब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का जो अनुकरण है वो हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने किया, हमारे संस्थान के अधिकारियों ने किया। आज ये अवसर है पूज्य दलाई लामा जी के 83वें जन्म महोत्सव को मनाने का। क्यों मनाते हैं जन्म महोत्सव? वस्तुतः हमारे जो आदर्श हैं वो आदर्श बहुत समय तक हमारे बीच में रहें, हम उनसे कुछ ग्रहण कर सकें, और उनके आयुष्य की कामना के लिए, दीर्घायुष्य की कामना के लिए हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वस्तुतः ये समारोह केवल सारनाथ में मनाया जा रहा हो ऐसा नहीं है, देश के विभिन्न कोनों में ये समारोह मनाया जा रहा है। देश ही नहीं, विदेश के अनेक कोनों में ये समारोह मनाया जा रहा है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर सबसे पहले जो की नोट्स के रूप में कही गई, नहीं बैरेन बैरानी समन्तीध कुदाचने अवरेण तु संबंती एस धम्मो सनंतनो, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। और देखिए विकास दो प्रकार से होता है, एक भौतिक विकास होता है, एक आध्यात्मिक विकास होता है। भौतिक विकास के लिए हमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और आध्यात्मिक विकास के लिए हमें आचार विचार की जरूरत पड़ती है। शुद्ध आचार विचार हमारा कैसा हो, केवल बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ लेना, उनको समझ लेना, उनकी व्याख्या कर लेना, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसके लिए अपने जीवन में उतारना ये बहुत बड़ी भारी बात होती है। पूज्य दलाई लामा जी ने न केवल अपने जीवन में भगवान बुद्ध के सिद्धांत हैं, उपदेश हैं, उनको अपने जीवन में उतारा, बल्कि उन्होंने जन जन में इस उपदेश को प्रसारित किया और अनेक लोगों को अपना अनुयायी बनाया, और उस भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। वस्तुतः उनके जो सिद्धांत थे भगवान बुद्ध के, जिन्हें हम ब्रह्म विहार के रूप में मानते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये उनके सिद्धांत हैं। सत्वेश मैत्री, जीव मात्र के प्रति मैत्री होनी चाहिए,
गुणिस्व प्रमोदम, जो हमसे ज्यादा गुणवान हैं उनके प्रति हमें हर्ष व्यक्त करना है। सत्वेश मैत्री गुणिस्व प्रमोदम, ये उनका जो सिद्धांत है ये बहुत बड़ी भारी बात है। वस्तुतः भगवान बुद्ध के उपदेशों को जैसा उन्होंने आत्मसात किया वैसे ही दूसरे लोग आत्मसात करके, और जो इस संसार की जो विडंबनाएं हैं, जो आतंकवाद है, जो विभिन्न प्रकार के आचार हमारा हीन हो रहे हैं आचार से, उन सारी बातों को यदि हम समाप्त करना चाहते हैं, अनाचार समाप्त करना चाहते हैं समाज के माध्यम से, हम यदि चाहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाए, तो हमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि इनको उतारे बिना हम संभव नहीं है कि हम सुखी रह सकें। भगवान बुद्ध ने जो बात कही, उन्होंने जो अपने ज्ञान में प्राप्त किया, संसार में दुख है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, सभी जानते हैं संसार में दुख है, तो दुख का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा, दुख समझे, और जब कारण है तो उसका निवारण जरूर होगा। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, तो वो कैसे अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारा जा सके, इसके लिए आदरणीय परम पावन दलाई लामा जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। मैं समझता हूं यदि उनके इन उपदेशों को हम आत्मसात करते हैं, वस्तुतः ये उपदेश उनके नहीं है, ये भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, वो भगवान बुद्ध के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के रूप में वो हमें आज प्राप्त हैं। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, भगवान बुद्ध को हमने देखा नहीं है, आपने भी देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश हमारे बीच में हैं, और उन उपदेशों को देने वाले, उन उपदेशों को समाज में प्रचार प्रसार करने वाले जो हैं वो हैं आदरणीय परम पूज्य दलाई लामा जी। तो यदि हमने भगवान के बुद्ध के उपदेशों को, भगवान के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी शिक्षाएं दी गई हैं, यदि उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना भी कल्याण कर सकेंगे, पर का भी कल्याण कर सकेंगे। और उस कार्य में जो सबसे बड़ी महती भूमिका निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं परम पूज्य दलाई लामा जी। मैं समझता हूँ यदि उनके इन उपदेशों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से वो भगवान बुद्ध के जीवन को, भगवान बुद्ध के उपदेशों को हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। ऐसे परम पूज्य दलाई लामा के श्री चरणों में मैं विनम्र प्रणामांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति सर। और इस क्रम में मैं अत्यंत आदर के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लल्लन मिश्र जी को पूर्ववत अनुरोध के साथ सादर आमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर लल्लन मिश्र जी, मित्रों, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान का अध्यापक हूं, रसायन विज्ञान का। अभी जो आपसे सुना है उसी को थोड़ा वैज्ञानिक रूप में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस विषय की नहीं है। बुलाया गया इसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, इस संस्था के कुलपति का, यहाँ के व्यवस्थापक का, यहाँ के रजिस्ट्रार का, कि मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। जहाँ तक पवित्र पावन के सवाल उनके जन्मदिन का है, 83वें जन्मदिन का, तो जब मैं अभी आप सभी को सुन रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि मैं एक रसायन का विद्यार्थी हूँ, रसायन विज्ञान का, तो मैं कैसे इसको ले सकता हूँ, इस बातों को मैं कैसे। अभी कुछ समय पहले कुलपति जी से मैं बात कर रहा था कि विजन एक वैज्ञानिक को ऐसे महापुरुषों के वचन से मिलते हैं, जैसा जैन साहब ने बताया, सुख दुख की बात किया,
और सारी चीजों के बारे में बताया, उनके बारे में बताया और वक्ताओं ने बताया, तो मैं देख रहा था कि जो 83 नंबर है, 83 नंबर है, वो मेरे हिसाब से कहां फिट बैठता है। तो मैं, टीएन सिंह जी हैं यहां पर, हमारे यहां के विद्यार्थी थे हैं, उनको एलिमेंट की जानकारी है, तो मैं देख रहा था ये एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में, जब मैं खोज रहा था तो मुझे 83 नंबर में बिस्मथ मिला। बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है मित्रों, जो मैं आपके सामने बताऊं कि उसके गुण को देखिए तो वो बुद्धा के उपदेश और दलाई लामा जी के उपदेश जो समाज के लिए है, वही वो एलिमेंट के रूप में, कंपाउंड के रूप में समाज को दे रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों में हमारे रसायनज्ञ बिस्मथ एलिमेंट को यूज करते हैं। अगर आध्यात्मिक लोग यहां बैठे हैं, जैसा कहा गया कि विज्ञान और अध्यात्म का यहां मेल है, तो मैं रस शास्त्र की कभी किताब पुस्तक जब पढ़ता हूं तो वहां मुझे पारद, मरकरी और सल्फर की बात की जाती है कि मरकरी और सल्फर क्या है। मरकरी को शिव का रूप देते हैं और सल्फर को पार्वती का रूप देते हैं, और मरकरी और सल्फर के संयोग से ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके बारे में, जो हमारे समाज के लिए, मानव शरीर के लिए, मानव समाज के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस क्रम में जब मैं बिस्मथ को एनालाइज कर रहा था बैठे बैठे अभी 5 मिनट के अंदर, तो मैंने ये पाया कि इसमें क्या नहीं है जो समाज के हित के लिए वो कार्य नहीं करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आपने कहा कि इनके जन्मदिन के अवसर पर जो उनके उपदेश हैं समाज के हित में हैं, तो ये वर्ष जो 83वां वर्ष है वो पूर्ण रूप से, मैं समझता हूँ, भारतवर्ष, दुनिया के लोगों को, उनके मन में ये विचार आएगा कि हम शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखने में ही हमारा सुख है, समाज सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि समाज जो है व्यक्ति की इकाई है, जैसा व्यक्ति होता है वैसे समाज का निर्माण होता है। समाज को जो हम विचार करते हैं, समाज के ऊपर हम जब देखते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ का व्यक्ति कैसा है, और इसी समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्रों से मिल करके विश्व का निर्माण होता है। तो जो छोटे स्तर पर बुद्धा के इस उपदेश स्थली पर, जैसा जैन साहब ने कहा, आज जो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह वर्ष सबके लिए सुखी होगा, क्योंकि ये 83 नंबर जो है बड़ा ही अच्छा नंबर है, बहुत ही उपयुक्त नंबर है, और मैं समझता हूं इससे बड़ी कामना एक विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक विज्ञानविद के रूप में आपने 83 की वैज्ञानिक एक तरह से व्याख्या की, और सर को पता ही होगा कि विश्व के समस्त धर्मों में बौद्ध धर्म एक अकेला धर्म है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, जहाँ कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने श्रद्धा विश्वास के सारे धरातल और सारी खूंटियों को हटा दिया, जहाँ आत्मा परमात्मा के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, जहाँ विशुद्ध विज्ञान है, यह करो और यह पाओ। तो एक रसायनविद के लिए तो शायद यह सर्व प्रासंगिक भाई, जिसके आपने एक अद्भुत और सुंदर व्याख्या की, हम सभी के लिए उपयोगी व्याख्या की, हम बहुत आभारी हैं आपके प्रति। और इस क्रम में मैं आदर के साथ प्रोफेसर रमेश द्विवेदी जी को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, और बौद्ध धर्म जैन धर्म में एक अद्भुत पारंगत विद्वत, आपको प्रणाम करता हूं और आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। अनिरोधम अनुत्पादम अनुच्छेदम अशाश्वतम अनेकार्थम अनानार्थम अनागमम अनिर्गमम जह प्रतीत्य समुत्पादम प्रपंचोपशमम शिवम देशयामास संबुद्धस तम वंदे वदताम्बरम। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर नवांग शमतेन जी, मुख्य अतिथि
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह जी, विशिष्ट अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, मंच पर बैठे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ही पूर्व कुलपति प्रोफेसर पांडे जी, और इस नगर नहीं इस मंडल के आयुक्त माननीय आयुक्त जी, समक्ष बैठे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं नगर के अन्य गणमान्य भिक्षुवृंद, पूज्य भिक्षुवृंद, आज परम पावन जी का जन्मदिन है, 83वां जन्मदिन है, और इस संस्थान का 50वां वर्ष है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का इस संस्थान के प्रति परम पावन दलाई लामा जी इस संस्थान की स्थापना किए सन 1968 में, तो संपूर्णानंद संस्कृत उस समय इसका अपना भवन नहीं था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ही इस संस्थान की 3-4 वर्षों तक कक्षाएं चलती रहीं, और परम पावन दलाई लामा जी 35-36 वर्ष की अवस्था में संस्कृत विश्वविद्यालय में पधारे थे। उस समय उनके स्मरण में आज भी परम पावन के नाम पर दलाई लामा कक्ष है, जहां अध्यापन होता है। जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्हें अनुरोध करके बुलाया गया था और इस संस्थान की स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया था, और पुनः 75वें वर्ष पर 17 जनवरी 2011 को परम पावन जी से पुनः अनुरोध किया गया, माननीय कुलपति केंद्रीय तिब्बती संस्थान के कुलपति के माध्यम से, तो 17 जनवरी 2011 को संपूर्णानंद में वे पधारे थे 75 वर्ष की अवस्था में। आज उनका 83वां वर्ष है, और चूंकि अन्य अनेक वक्ता हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, जो भारत में बौद्ध धर्म दर्शन पाली विलुप्त हो गया था, यदि एक श्रेय दिया जाए कि तिब्बत से परम पावन जी और उनके अनुयायी भारत में आए, तभी बौद्ध दर्शन और पाली के एक प्रकार से भारत में पुनः स्थापना हुई, उसके पहले एक प्रकार से विलुप्त ही हो गया था। उनके साथ आज तिब्बती संस्थान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, नालंदा, दिल्ली विश्वविद्यालय, जो वहाँ से ग्रंथ आए हैं तिब्बत से, उसी का रेस्टोरेंट करके संस्कृत में, पाली में, आज पूरे देश में पाली और बौद्ध दर्शन का एक प्रकार से जुआ अवस्था है। जैसे इस संस्थान का 50वां वर्ष है, वैसे पूरे देश में अब बौद्ध दर्शन और पाली प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। इसमें यदि कहें तो परम पावन और उनके साथ आए विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। वंदनीय का वंदन, पूजनीय का पूजन, अभिनंदनीय का अभिनंदन, और ऐसे महात्मा का जन्मदिन मनाना हमारे भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। जब भी आवरण से ज्ञान आवरण दो होते हैं, एक क्लेशावरण और एक गियावरण। परम पूज्य दलाई लामा जी प्रायः जो भी अपनी देशना देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, लोगों में जो ज्ञान की विस्मृतियां हैं उनको उद्बोधित करने के लिए प्रायः वह क्लेशावरण और गियावरण के आधार पर सबको उद्बोधित करते रहते हैं। यदि सही में देखा जाए तो सत्य दो है, एक समृद्धि सत्य और एक परमार्थ सत्य।
दोनों को आत्मसात किसी व्यक्ति में, किसी महापुरुष में, किसी साधु संत में देखा जाए तो दोनों समाहित हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी में ही मिलता है। करुणा की बात अभी हो रही थी, किसी व्यक्ति में करुणा हो सकता है, किसी में उपेक्षा की भाव हो सकती है, किसी में मुदिता की भाव हो सकती है, किसी में मैत्री की भाव हो सकती है, लेकिन चारों का संयोग चारों किसी व्यक्ति में मिले इसके लिए उदाहरण हमारे परम पावन दलाई लामा जी में है। इसका उदाहरण मैं एक देता हूं। 2011 में संस्कृत विश्वविद्यालय के सेमिनार का उद्घाटन करने के बाद, लंच करने के बाद बाहर निकल रहे थे, एक सामान्य मजदूर जिसके हाथ में फ्रैक्चर था, परम पावन जी के साथ अति विशिष्टतम लोग थे, परम पावन जी उन विशिष्टतम लोगों को छोड़ते हुए सामान्य मजदूर के पास चले गए और पूछे ये कैसे हुआ। उसने अपनी भाषा में कहा, फिर परम पावन जी उसके शरीर को सहलाए और कहे कि ठीक हो जाएगा, जाओ घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। इतनी उदात्त भावना, हम यदि सामान्य अध्यापक हो जाते हैं विश्वविद्यालय में, सामान्य व्यक्ति कहीं अधिकारी हो जाता है, सामान्य लोगों को पूछता ही नहीं है, और ऐसे बड़े आध्यात्मिक सामान्य जन के पास जाकर के उसके दुख दर्द को पूछने वाला ये कोई ज्ञानी हमारे दृष्टि से महायानी ही हो सकता है। हमारे दोरजे जी ने कहा, आकाशस्य स्थितिर जावत यावत च जगत स्थिति तावन मम स्थितिर भूयात जगत दुखानि निघ्नता। उनकी यह भावना होती है कि जब तक दुख, संसार का दुख समाप्त न हो जाए तब तक जगत में मेरी स्थिति बनी रहे, अपने सुख ऐश्वर्य के लिए नहीं, जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए। ऐसी उदात्त भावना परम पावन की है, बौद्ध दर्शन की है, बुद्ध की है। अंधा पश्यंतु रूपाणि, बोधिचर्या अवतार में कहा गया है, अंधा पश्यंतु रूपाणि श्रृण्वन्तु बधिरा सदा माया देवी गर्भिण्यः पशूयन्ताम् माया देवी व निर्व्यथा। ये उदात्त भावना हमारे परम पावन जी की है। ऐसे उदात्त भावना वाले ऐसे ज्ञानी को मैं उनके जन्मदिन पर बार बार प्रणाम करता हूं, और पुनः माननीय पूज्य सामतेन जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार पुनः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्हें लाने के लिए हमारा प्रार्थना स्वीकार करें कि एक बार पुनः उनका आशीर्वाद संपूर्णानंद पर होवे, क्योंकि संपूर्णानंद से ही संबद्ध ये आज विश्वविद्यालय के रूप में है। संपूर्णानंद भी प्रतिफलित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के आशीर्वाद से संस्थाओं का अभिवृद्धि होता है। उनके आने के बाद संस्था और आगे बढ़ी है, और पुनः यदि आ जाएंगे और आगे बढ़ेगी, ऐसी हम लोगों की कामना है। बौद्ध दर्शन अन्य दर्शनों की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि ये हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा कहा है, ये हमारे बाइबिल में ऐसा कहा है, ये हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा है, इसलिए आप इसे मान लीजिए। तत्व संग्रह में लिखा है, ये हमारा बुद्ध वचन, तापाक्षेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पंडितै परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यः मद बचो न तु गौरवा। ये मेरा वचन है, मैं भगवान के रूप में अवतरित हूँ, ये मेरा वचन है, इसलिए मान लीजिए, इसमें प्रतिवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बौद्ध दर्शन नहीं मानता, वो कहता है
मेरे वचनों का आप परीक्षण करें, जैसे सुवर्णकार सोने का परीक्षण अग्नि में डालकर निकस पर रगड़ कर देखता है और सही रहता है तभी अंगीकार करता है, वैसे ही बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म ये कहता है कि उसका परीक्षण करें, यदि सही है यथार्थ शास्त्र है तब इसे अपनावें। चूंकि मैं बौद्ध दर्शन का विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं बौद्ध दर्शन को तो यथार्थ शास्त्र मानता हूँ, अन्य माने न माने लेकिन इस वचन के साथ यदि ये सही है तो अंगीकार करें, सही न है तो उसे न स्वीकार करें। ऐसा कोई कहता है, कोई धर्म दर्शन कहता है तो वो बौद्ध दर्शन ही कहता है, अन्य दर्शन नहीं कहता है। पंचशील के जो भी सिद्धांत हैं उसको परम पावन जी आत्मसात करते हैं, आर्याष्टांगिक के जो सिद्धांत हैं उसे आत्मसात करते हैं, जो भी जैसे देखा जाता है बड़े बड़े पुरुष कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, मनसन्यत वचसन्यत कर्मण अन्यत, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम, तो ऐसे में परम पावन दलाई लामा जी हैं, यहाँ अन्य लोग हैं, इतना ही कहकर इस संस्था के प्रति ये जैसे 50 वर्षों में विश्वविद्यालय के रूप में आज खड़ा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा है और अभिवृद्धि करे और आगे बढ़े, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बने, इस शुभकामना के साथ और परम पावन सतायु से भी अधिक हो इस कामना के साथ मैं भगवान बुद्ध को बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वो आए थे और सेमिनार का उद्घाटन किए थे, हमारे बीच में हमारे कुलपति जी भी हैं, उस प्रति को परम पावन को मैंने समर्पित कर दिया, वो नहीं जानते हैं इसलिए उनके बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे परम पावन को बार बार प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। यह केवल संयोग नहीं है कि पिछले सत्र में परम पावन दलाई लामा जी इस संस्थान में दो बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य हम लोग सबको मिला, एक अवसर था इसका स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह और दूसरा अवसर था अखिल भारतीय कुलपति सम्मेलन जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। इन दोनों अवसरों पर परम पावन ने अपने संबोधन में एक बात पर विशेष जोर दिया था और वह बात थी आज की शिक्षा सूचनाओं का संग्रह मात्र रह गई है, आज की शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रही है, आज की शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिससे व्यक्ति शिक्षित हो जा रहा है, डिग्रीधारी हो जा रहा है लेकिन मनुष्य नहीं हो पा रहा है, संवेदना आज मरती चली जा रही है। और यह विचार हम तब कर रहे हैं जब आप इस मंच पर चार कुलपति एक साथ बैठे हुए हों, शिक्षा कुल के कुलपति और उनका संरक्षण का दायित्व लिए हुए एक सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारी, तब तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि शिक्षा किधर जा रही है। और इस क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ सेपा के डायरेक्टर प्रमुख शिक्षाविद और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KP पांडे जी से अनुरोध करता हूँ आप आवें और मेरे निवेदन को ध्यान करते हुए आप अपनी बात कहें वहां पर। सर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शयितुं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज के इस भव्य समारोह की अध्यक्षता कर रहे
इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति नवांग समतेन जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ला जी, आयुक्त श्री अग्रवाल जी, हमारे इस समारोह में प्रतिभाग कर रहे अन्य विद्वत्जन और साथियों, इस समारोह को मनाने में कुछ ऐसे अलिखित नियम हैं जिनके अनुपालन से हम परम पावन दलाई लामा के संदेशों को आत्मसात करने में स्वयं को और अपने साथियों को प्रेरित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे स्मरण आ रहा है 71 में परम पावन दलाई लामा का सानिध्य हम लोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर रामकरण सिंह जी के सानिध्य में हम लोगों ने पहला सौभाग्य मिला था, उनसे मुलाकात हुई थी। और डॉक्टर रामकरण सिंह जी जो कि लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डीएड थे और दो दो विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे थे। थोड़ा वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे और साधु संतों के सानिध्य में रहने में भी कतराते थे, लेकिन परम पावन को मिलते ही उनमें मैंने बदलाव देखा और वह बदलाव मेरे लिए भी बड़ा ही प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने कहा कि मुझे वो प्यार से केपी कहते थे, भाई केपी ये तो इनको देखते ही लगता है कि मैं बदल गया, और सचमुच बदल गए थे। उनकी आस्था, उनका जो विश्वास था शिक्षा संस्थाओं के बारे में, और जो साथी हैं हमारे जो शिक्षा संस्थाओं में काम करते हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनके बारे में, हमेशा वो सवाल उठाया करते थे कि हम सभी विश्वविद्यालय परिवार हो या महाविद्यालय परिवार हो या विद्यालय परिवार हो, हम सभी एक पाखंडियों की जमात है, हम लोग पाखंड रचते हैं और आचार विचार की ओर कम जाते हैं। तो परम पावन दलाई लामा जी को मिलने का मुझे भी, मैं जब कुलपति था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तब भी मिला और अवसरों पर भी उनसे मिला, उनके ग्रंथों का भी मैंने अध्ययन किया और बहुत ही गंभीरता पूर्वक मैंने अध्ययन किया है। मुझे सबसे पहले आज के वक्तव्य में समतेन जी को बधाई देना है कि ये स्वर्ण जयंती है इस संस्थान का। स्वर्ण जयंती हमारे यहाँ कहा जाता है सोने में सुहागा, तो स्वर्ण जयंती भी है और परम पावन का जन्मदिन भी, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो समवेत रूप से हमारे लिए क्या प्रेरणा उद्भूत होती है, हमारे लिए क्या संकल्प हमारे मन में उद्भूत होना चाहिए, जिससे जिस संस्था से हम जुड़े हों, जिस व्यवस्था से हम जुड़े हों, उसको स्वर दे सकें, उसको आयाम दे सकें, उसको शक्ति दे सकें, उसको प्रेरणा दे सकें और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। मैं परम पावन जी को कई दृष्टियों से देखता हूँ। मैं मूलतः उन्हें कर्मयोगी मानता हूँ। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कर्मयोगी कौन होता है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि कर्म क्रिया योगी। तो ये क्रिया योगी में तीन चीजें होनी चाहिए, वह तपस्वी हो, स्वाध्याय करने वाला हो और ईश्वर प्राणिधान यानी अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति समर्पण का भाव। परम पावन में ये तीनों गुण
समवेत रूप में आप देख सकते हैं। यदि आप साइंस के विद्यार्थी के रूप में, सोशल साइंस के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, उनके ऊपर केस स्टडी करना चाहे, आप देखें वह तपस्वी हैं, सही मायने में तपस्वी। तपस्वी किसे कहते? तपस्वी वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संकल्प में युद्ध होता है और संकल्प के साथ अपने आग्रह को पूरा करता है। ये जीवन जो हमें मिला है उसमें अनेक चुनौतियां, कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां चुनौतियां नहीं है। हमें चुनौतियों को और उन चुनौतियों को एक दृढ़ता के साथ, एक अपेक्षित योग्यता के साथ उनको निपटाने के लिए हमारे अंदर जो संकल्प होना चाहिए, हमारे अंदर एक पथ बनाने का जो एक कल्पना होनी चाहिए, उसको मजबूती देने का काम तपस्वी करता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे रास्ते हैं वो बहुत ही बीहड़ हैं, बहुत ही कठिन हैं। जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो, देखिए आपके रास्ते भयंकर हैं, दुखप्रद हैं। इसी को तो महात्मा बुद्ध ने ये बनाया था कि संसार ही दुखमय है और दुख समुदाय है, दुख समुदाय का निवारण भी है और उसका दुख का निवारण का प्रतिबद्ध भी है। ये जो प्रज्ञाशील और समाधि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के में अनुस्यूत हैं, उनके प्रति हमें आग्रह को दोहराना होगा। और मैं इसीलिए कहूँगा हमारे जो भी हमारे साथी हैं, जिस रूप में काम कर रहे हैं, जो रास्ते हैं, रास्ते को बनाइए, रास्ते को समझिए और ये रास्तों की जो कठिनाइयां हैं उनको आप समझते हुए अपने ध्येय पर टिके रहें। वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धर्म, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न, यदि प्रतिकूलताओं में भी आप अनुकूलता लाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो आपका संकल्प, आपका आग्रह, आपका ध्येय ऐसे ही धरा रह जाएगा। और स्वाध्याय दूसरा है जो है, स्वाध्याय, स्वाध्याय रोज कुछ न कुछ अनुशीलन करना, देखना, समझना हमारी समस्याएं क्या हैं, किस रूप में हमको समझना है, हमें किस तरह से एक अंतर्दृष्टि हमारे अंदर बने, सूझबूझ हमारे अंदर पैदा हो, जिससे हम अपनी परिस्थितियों को समझकर दुराग्रह के साथ नहीं, साग्रह उन परिस्थितियों का हम समाधान प्राप्त करें जो मानव कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करें। और अपने से बड़ों के प्रति जो एक समर्पण का भाव, एक सत्कार का भाव, एक आदर का भाव होना चाहिए, यह ईश्वर प्रणिधान, ये तीसरा एट्रीब्यूट है जो एक महान व्यक्ति में पाया जाता है, देखा जा सकता है। परम पावन के चरित्र में उनके जीवन को यदि आप करीबी रूप में देखें तो ये तीनों चीज़ें, मैं उनको आध्यात्म का एक उत्कृष्ट प्रतिमान मानता हूँ, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस के अप्रतिम व्यक्ति हैं। और उनमें वो जो बुनियादी रूप में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो आदमी को बड़ा बनाती हैं, जो किसी संस्था को बड़ा बनाती हैं, वो तीन चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बड़ा बनाती हैं, जो किसी व्यवस्था या संस्था को बड़ा बनाती हैं। पहली जो बात है वो है कन्विक्शन, फर्म कन्विक्शन इन द पावर ऑफ गुडनेस, अच्छाई में हमारा दृढ़ विश्वास हो, अच्छाई को मानना और एक दृढ़ता के साथ मानना। जो व्यक्ति अच्छाई के लिए हमेशा एक अपने अंदर जो कमिटमेंट है उसको रीइन्फोर्स करता रहता है, तो दैट मेक्स ए पर्सन ग्रेट, दैट मेक्स एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कंट्री ग्रेट। दूसरा है एब्सेंस ऑफ जेलसी,
हम लोग ईर्ष्या जलन इससे वो इस उबार नहीं पाते और हम छोटी मोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आदमी को ग्रेट बनाती है वह है एब्सेंस ऑफ जेलस। यदि कोई संस्था आगे बढ़ रही है, यदि कोई व्यवस्था ऊंचाई और शिखर की ओर अपना रास्ता बना रही है तो हमें जेलसी नहीं होना चाहिए, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और तीसरी चीज है हेल्पिंग दोज हु आर डूइंग गुड, जो अच्छा कर रहे हैं उनको मदद करना, और दोज हु आर ट्राइंग टू बी गुड उनको मदद करना। हिज होलीनेस के जीवन को देखते हुए, उनके जो ग्रंथ हैं उनसे यदि आप सानिध्य स्थापित करें तो आप देखेंगे कि ये तीन सूत्र ये ABC हैं स्पिरिचुअलिटी के, और ABC स्पिरिचुअलिटी के जो एक दृढ़ता की शक्ति, A फॉर एबिलिटी, B फॉर संयम एंड C फॉर करेज, साहस के साथ दृढ़ता के साथ हम इस जगत में विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता की स्थिति लाने का प्रयास करें, यही आज के दिन हमें प्रेरणा लेना चाहिए। परमपावन दलाई लामा के जन्मदिन पर और हमें अपने को ऊर्जावान करने की, अपने अंदर उस ऊर्जा को प्रतिष्ठित करने का संकल्प, द्विगुणित करने का साहस हर व्यक्ति को जुटाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे चूंकि परम पावन के कई ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया और मैं जब अध्ययन करता हूँ तो आई स्टार्ट विद डाउट, लेकिन मैं देखता हूँ कि डाउट फिर बदल जाता है और मैं देखता हूँ कि वो वही बात कह रहे हैं जो एक अच्छा आदमी कहता है, कह सकता है। आप आपके हाथ में जो किताबें हैं, जो ये रिलीजन, ये वैल्यूज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज के विश्वविद्यालयों में यदि सबसे अधिक ज़रूरत है तो एकेडमिक एक्सीलेंस की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस की ज़रूरत है और ह्यूमनिज्म की ज़रूरत है। हमारे पाठ्यक्रमों में ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी जो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का यहाँ अधिवेशन हुआ था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की ओर से, मैंने उसमें एक पत्रक वहाँ पर, उस पत्रक के माध्यम से इस प्ली को मैंने एडवांस किया था कि कैसे एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ ह्यूमन वैल्यूज दोनों को सांगोपांग रूप में हम अपने व्यवस्था का, अपने पाठ्यक्रम का एक अद्भुत टूल बना सकते हैं जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी बने, तैयार हो, उसमें एक ह्यूमन वैल्यूज हों। और ये इस तरह जो आज हमें स्वच्छता अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, वो स्वच्छता अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं हो। मैं किसी विश्वविद्यालय में गया था और मैं नाम नहीं लूँगा इस विश्वविद्यालय का, सीढ़ियों से जब चढ़ रहा था तो कुलपति से मैंने पूछा कि ये रंगाई पुताई हुई है क्या, तो बगल में जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा कि ये जो पान वान खाते हैं वो एकदम सीढ़ियों पर पान से इतनी लालिमा कर दिया था, लग रहा था पुताई हुई। मैंने कुलपति जी से पूछा कि आपके पास कोई स्वच्छता अभियान का कोई क्रम नहीं है क्या, और मैं अभी काशी विद्यापीठ में गया था, एक फॉर्मल अवसर पर गया था, वहाँ देखा मैंने कुछ ही दिनों में वहाँ स्वच्छता अभियान चला है और दिखाई पड़ रहा है स्वच्छता। यदि वो सस्टेन होता है तो मैं TN सिंह जी को बधाई दूंगा कि इसको ऐसा स्वरूप दें जो काशी विद्यापीठ इस पूरे पूर्वांचल का गौरव बने। तो ये स्वच्छता अभियान चलाना पहले घर से चलाइए और विश्वविद्यालयों में ऐसे संस्कार दीजिए, ह्यूमन वैल्यूज पर जोर दीजिए। पाठ्यक्रम बनाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना जो विद्यमान पाठ्यक्रम है उनके अंगीभूत रूप में ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करना। मैं समझता हूँ परम पावन दलाई लामा के जीवन से जो हम ये प्रेरणा लेंगे आज के इस अवसर पर हमारे लिए, तो हमें कृतकृत्य करने में तो मददगार होगा ही, हमारी व्यवस्था को, हमारे प्रशासन को, हमारे समाज को, हमारे देश को दृढ़ता देगा, मजबूती देगा, गौरव देगा
और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, परम पावन को बार बार नमन करते हुए। हम बहुत ही आभारी हैं सर आपके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, और अब इस क्रम में मैं बहुत आदर के साथ अपने विशिष्ट अतिथि माननीय आयुक्त महोदय जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आज के इस अवसर पर आप अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दें। हम आपके आभारी हैं कि प्रशासनिक व्यस्तताओं के बावजूद आप हमारे बीच में इतनी देर तक उपस्थित रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर। विशिष्ट अतिथि श्री दीपक अग्रवाल जी। इस हिज होलीनेस दलाई लामा के 83वें जन्मदिवस के अवसर पर इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे इस संस्थान के वाइस चांसलर श्री सामतेन जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर श्री सिंह साहब, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री शुक्ला जी, श्री पांडे जी, उपस्थित सभी हमारे आदरणीय विभिन्न विश्वविद्यालय के आचार्यगण, प्रचार्यगण, उपस्थित हमारे सभी बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे धर्मगुरु, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, मैं यहाँ पर वक्तव्य देने नहीं आया हूँ। मैं छोटा सा विद्यार्थी हूँ जो आज कुछ ग्रहण करने आया हूँ। मैं भी, जैसे हमारे एक पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन स्कूल में इतिहास में बुद्धिज्म पर एक चैप्टर था जिसको हम लोग उस समय एक एकेडमिक दृष्टिकोण से पढ़ते थे। मैं एकेडमिक दृष्टिकोण से इसलिए बात कह रहा हूँ कि कई बार एज अ विद्यार्थी जब आप चीज को पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्य, उसका पढ़ने का उद्देश्य केवल एजुकेशनल होता है। मैं जब पढ़ता था तो मुख्य बातें ये थी कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ उन्होंने, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। लेकिन आज जब इतने साल गुजर जाने के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि उस समय शायद हमें, उन समय बच्चे थे, उसको रियलाइज नहीं हुआ कि एक व्यक्ति एक निकल के, एक छोटे से जगह से निकल के आता है 2500 साल पहले, जिस समय कोई मीडिया नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, इतने लैंग्वेज बैरियर्स, और उसके बाद पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायियों को बना लेता है सिर्फ बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो कोई ना कोई परम शक्ति ऐसे उस मनुष्य में होगी जिसको फिर बाद में हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। उसी तरह आज जिसका हम लोग 83वां जन्मदिवस मनाने के लिए यहाँ पे सब उपस्थित हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम लोग धर्मशाला जब अपने ट्रेनिंग के दौरान गए थे तो हम लोग सबको वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने का प्राप्त हुआ। उसके पहले हम लोग ने उनको केवल टीवी में, किताबों में देखा था, उनके जीवन के बारे में पढ़ा था, और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे हैं तो जिनके सिर्फ आप चेहरे देने देखने से एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। और मैंने जिंदगी में जितने भी उनके फोटोग्राफ्स देखे, मैंने जो अपना सीख लिया, जितने भी उनके फोटोग्राफ्स देखे या जितने भी उनको कभी व्याख्यान देखना, मेरा एक ही उनका चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो परमानेंटली रहती है, वो हम लोग को सबको एक सीखने की बात है। वो देखने मात्र से आदमी को एक इतना पॉजिटिविटी, इतनी हैप्पीनेस, इतना पीस का अंदर संचार होता है कि देखने से लगता है कि ये मनुष्य कुछ अलग है। आज हम लोग सब जब अपनी बात किसी को रखते हैं तो हम 10 लोगों को भी अपनी बात ढंग से नहीं समझा पाते। आज अच्छे और बुरे का ज्ञान सबको है,
क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, किसी भी अगर खराब से खराब व्यक्ति को पूछेंगे तो ये बता देगा कि खराब और अच्छे में फर्क क्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि हम अगर उस खराब व्यक्ति को अपने तरीके से इस तरीके से समझा पाए कि उसका हृदय परिवर्तन होकर वो सही मार्ग को पकड़ ले, तो वहीं हम लोग जैसे लेसर मॉर्टल्स और दलाई लामा और भगवान बुद्ध जैसे लोगों में अंतर होता है। वो लोग अपने प्रवचनों से, अपने उद्देश्यों से लाखों करोड़ों लोगों का हृदय परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। अभी स्कूल एजुकेशन के संबंध में हमारे संचालक महोदय ने कहा, मैं आज की तारीख में केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत ही प्रासंगिक बात है। आज जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इतिहास में, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में, इवन विज्ञान के बारे में, हमारा जो सारा एम्फेसिस है वो है कि कितने नॉलेज, कितना आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको और कितना उसको वापस उसको दे सको। इंफॉर्मेशन आज की तारीख में अगर किसी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है या कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको फैक्चुअल चीजें, जो फैक्चुअल चीजें वो तो सब जगह उपलब्ध हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ वो कहाँ कहाँ गए कहाँ, लेकिन उसकी आज की तारीख में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज बुद्धिज्म को आज के परिवेश में हम लोग कैसे लोगों को विश्व में शांति के लिए, मनुष्य अपनी शांति के लिए कैसे प्रयोग कर सकता है। और वापस लोगों का रुझान हो रहा है, आज जितने भी ऐसे लोग हैं जो विकसित देशों में जो भाग दौड़ की जिंदगी में जी रहे हैं, वो लोग एक विकल्प चाह रहे हैं जहां पर उनको सब कुछ तो मिल रहा है लेकिन अंदर में शांति का एहसास नहीं हो पा रहा है। और उनको बुद्धिज्म या हम लोग जो आज इस होलीनेस दलाईनामा जो बात बोलते हैं उसको अगर हम ध्यानपूर्वक सुने तो वो एक दवा का रूप बन सकता है इस ऐसी जिंदगी में जब हम लोग दिन भर भाग दौड़ की जिन मेटलिस्ट दुनिया में फंस कर हम लोग जो हैप्पीनेस वाला जो क्वेश्चन है वो अपना धीरे धीरे हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। मैं आज केवल, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे प्रवचन देने नहीं बल्कि प्रवचन ग्रहण करने आया हूँ। मैं आज का अपना जो यहाँ पे समय गुजारा है, मैं इसमें से कुछ बातें अपने जीवन में ग्रहण करने का अवश्य प्रयास करूँगा। सबसे पहले जैसे कहा कि नॉन वायलेंस, अक्सर हम लोग बहुत सारे बात आ जाता है धीरे धीरे एज के साथ प्लस कुछ संगतों के साथ हम लोग अपना हृदय परिवर्तन होता लगता है कि नहीं, आवेश या गुस्सा करना एक क्षणिक चीज है जो बाद में आदमी को रियलाइज होता है कि शायद उस समय गुस्सा नहीं करते तो स्थितियां उचित हो सकती थी। तो मैं आज इस आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं ये अपने ओर से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इनके जीवन को देखते हुए कि कैसी भी विषम परिस्थिति हो अपना आवेश नहीं खोलूंगा और मधुर भाषा का प्रयोग करते हुए जो भी अपने मेरे साथ संपर्क में आएगा उसके साथ मैं ये प्रतीत करने की कोशिश करूंगा कि वो निकलने के बाद या ना बोले कि मैं किसी एक गलत व्यक्ति से मिल के आया हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम बहुत ही आभारी हैं आयुक्त महोदय के और बहुत ही भावुकता के साथ आयुक्त महोदय ने जो आज एक संकल्प लिया, अगर यहाँ उपस्थित आधे लोगों ने वो संकल्प लिया, इससे बड़ी सार्थकता किसी सेमिनार की हो नहीं सकती है, किसी उत्सव की हो नहीं सकती है। आयुक्त जी ने परम पावन दलाई लामा के व्यक्तित्व का रेखांकन करते हुए जो बात कही, हम सबको वो हंसी, एक बच्चे की हंसी उनके चेहरे पर जो होती है, हम सबको आकर्षित करती है। तो मुझे याद आया धम्म पद का एक बुद्ध वचन जहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो कहता है और करता नहीं है वह कागज के फूल की तरह है, और जो कहता है वही करता है वो तो असली सुगंधित फूल की तरह है। तो दलाई लामा परम पावन एक हंसते खेलते सुगंधित फूल की तरह हैं जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैली हुई है। बड़े सारे संयोग आज इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें एक संयोग यह भी है कि मंच पर उपस्थित सन्मान्य कुलपतियों के बीच में हमारे बीच में दो कुलपति लोग ऐसे हैं जिनको नवागंतुक तो नहीं कह सकते हैं, जो बनारस में रचे हैं, बसे हैं, पढ़े हैं, लेकिन नवदायित्व युक्त हम कह सकते हैं।
और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, एक स्वतंत्रता आंदोलन की संस्था और एक भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन का महान उद्देश्य संकल्प ली हुई संस्था, एक बड़ा उद्देश्य की संस्थाएं हैं जिनका दायित्व आप लोगों के कंधों पर है। और उसी आदर भाव के साथ मैं अपने विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस अवसर पर अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दें। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सर्वप्रथमं परम श्रद्धेयानां परम पावन दलाई लामा महाभागानां चरणेषु अत्र उपस्थितानां भिक्षुवृंदानां च चरणेषु स्वीयां श्रद्धां प्रकटयामि। हमारे सम्मान्य इस संस्थान के कुलपति आचार्य सामतेन जी, श्रद्धेय आचार्य पांडे जी, श्रद्धेय आचार्य सिंह साहब, हमारे यशस्वी मंडलायुक्त जी, इस सभा में उपस्थित विद्वद्वृंद एवं छात्र छात्राओं, परम पावन के 83वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से, और चूंकि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विश्व संस्कृत समाज का एक प्रतिनिधि है, तो विश्व संस्कृत समाज की ओर से उनकी चरणों में अभिनंदन एवं प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे आज ये पुस्तक मिली, इसका सार है इथिक्स फॉर होल वर्ल्ड, जो संपूर्ण विश्व के लिए सोचता है वह परम कारुणिक कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जगदेव दुख पंक निमग्न बुद्धिधीर्षु परम कारुणिक। यह जो संसार है उसको दुख पंख की कल्पना की गई है और उससे इस संपूर्ण संसार को जो उद्धार कराना चाहता है वही परम कारुणिक है। करुणा जीव मात्र का स्वभाव धर्म में है, मुझमें भी करुणा है और परम पावन में भी करुणा है, लेकिन मेरी करुणा कुछ सीमित है। मुझे अपने बच्चे के प्रति, अपने मित्र, अपने परिवारजनों के प्रति करुणा होती है, उसे कुछ कष्ट होता है तो मुझे कष्ट होता है, किसी अन्य को कुछ कष्ट होता है तो कभी कभी मैं उदासीन हो जाता हूँ, और कभी कभी मुझे खुशी भी होती है कि वो उसे कष्ट हो रहा है, अच्छा है। लेकिन जो परम कारणिक होते हैं उन्हें जगत के कष्ट में कष्ट होता है, इसलिए वह परम कारुणिक हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन का मुझे अनेक बार अवसर मिला। यहाँ जब एक संवाद का आयोजन आपने किया था तो मुझे यहाँ अवसर मिला, और एक दो बार और भी अवसर मिला। जैसे हमारे आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वे दो बार पधारे। पिछली बार जब उनका पदार्पण हुआ था तो हमारे विश्वविद्यालय, हमारे उस संस्था का 220वां वर्ष था, और 2020 में हम 230वां वर्ष बनाने जा रहे हैं स्थापना का, और आगामी 20 और 21 को परम पावन जी के साथ मेरा सान्निध्य होना, मुझे उपस्थित होना है, उनका दर्शन करना है। मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर भी वो विश्वविद्यालय में आकर के हमें अनुग्रहित करेंगे और हमारे आचार्य इस कार्यक्रम में मुझे मदद करेंगे ताकि परम पावन का यहाँ आगमन हो सके। इस ग्रंथ की शुरुआत उन्होंने की है, आई एम एन ओल्ड मैन नाउ। मनु स्मृति में कहा गया है, नतेन वृद्धो भवति येनास्य पलितम शिरहा। बाल पक जाए, बाल उड़ जाए, चलना मुश्किल हो जाए, बात करना मुश्किल हो जाए, तब व्यक्ति वृद्ध होता है, ऐसा नहीं है। यो वै युवाप्यधीयानः तम देवास्तविरं विदुः। जो अध्ययनरत है, सर्वदा क्रियाशील है, उसे ही वृद्ध कहा जाता है,
और जो लोग परम पावन के सान्निध्य में कभी भी साक्षात या परंपरा आए होंगे वे जानते होंगे वे कितने क्रियाशील हैं। अध्ययन, अध्यापन, विद्या, समाज का उत्थान, इन सब बारों में वे, इसीलिए उनको एक स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट भी कहते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में वे समाज में अपने आप को प्रस्तुत किया है, इसलिए वे सर्वमान्य हैं। सर्वमान्यता नेता के लिए नहीं होती है, कार्यकर्ता के लिए होती है। और उन्होंने, जैसा हमारे द्विवेदी जी ने कहा, कि वे छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए करुणा के से वो तो प्रोत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होती है। तात्कालिक श्रद्धा तो पदस्थ व्यक्ति के लिए हो सकती है, हम कुलपति हैं, हमारे अधीनस्थ लोग हमारे ऊपर श्रद्धा करते हैं, 3 साल बाद वो शायद श्रद्धा न रहे, लेकिन जो स्थायी श्रद्धा होती है, स्थायी विश्वास होता है, वो हमारे सद्गुणों से आता है। और वह सद्गुण उसी व्यक्ति में होता है जो संपूर्ण विश्व के लिए सोचता है। और बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड रिलीजन उनके पुस्तक का नाम है, वहाँ रुकते नहीं है, आगे चलते हैं, वो धम्म तक जाते हैं, धर्म तक जाते हैं, वो रिलीजन पर नहीं रुकते हैं, पंथों पर नहीं रुकते हैं, मान्यताओं पर नहीं रुकते हैं। तब जाकर उनका एक और वाक्य मुझे अच्छा लगता है, आई एम ए मैन ऑफ रिलीजन बट द रिलीजन एलोन कैन नॉट आंसर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। हमारी सारी समस्याओं का निदान केवल हमारे पंथ, हमारी मान्यताएं नहीं कर सकती हैं। जब तक हम विश्व के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिवस पर, ये जन्म क्या होता है, तो अवतार होता है ऐसे लोगों का, जन्म शब्द अत्यंत उपयुक्त नहीं है, वे किसी खास प्रयोजन से अवतार लेते हैं और वह अवतार का प्रयोजन संपूर्ण होने के बाद वे तिरोधान को प्राप्त होते हैं। तो प्राकट्य और तिरोधान है, उन्होंने किसी प्रयोजन से यहाँ अवतार लिया है, अपनी शक्तियों का दूसरों में आधान करके, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे शास्त्रों में जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, जीवन मुक्त होता है, और जीवन मुक्त व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ता है, विश्व कल्याण के लिए वह शरीर सशरीर यहाँ विराजमान रहता है और उस शरीर के द्वारा विश्व कल्याण करता रहता है। विशेषता यह है कि विश्व कल्याण अथवा कोई भी कार्य करते समय उस कार्य के फल उसे प्रभावित नहीं करते हैं, जीवन मुक्त की यही विशेषता है। कार्यों का स्वभाव होता है कि बिना फल के वह पूर्ण होते नहीं है। सभी कर्म, कृतम कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, हम शुभ काम करें अथवा अशुभ काम करें हमें फल अवश्य भोगना है। लेकिन जीवन मुक्त व्यक्ति उस फल का भागी नहीं होता है, क्योंकि उसका ध्येय लोक कल्याण होता है, उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल लोक को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस पर, उनके प्राकट्य दिवस पर आकर मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। मैं अपनी पुनः प्रणामांजलि उनके चरणों में अभिव्यक्त करता हूँ और इस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर के निमित्त इस पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन, हम आभारी हैं आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब हम सभी को प्रतीक्षा है जिस क्षण की, हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर TN सिंह जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस अवसर पर अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन करें। आज के इस अवसर पे, जिसमें कि कुछ लोगों ने कहा कि अच्छे व्यक्तियों का, विशिष्ट व्यक्तियों का जन्म नहीं होता है, तो मैं 83वें पुनर्जन्म के अवसर पर अपने भाव व्यक्त करता हूँ अपने तरफ से, अपने विश्वविद्यालय के तरफ से। मंच पे आसीन आयुक्त दीपक अग्रवाल जी,
इस विश्वविद्यालय के कुलपति शांतिन जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय शुक्ला जी, भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर केपी पांडे जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सम्मानित शिक्षकगण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय और इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, मीडियाकर्मी, आज एक ऐसे अवसर पर हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं जिसके बारे में मैं 1.5 घंटे से लगातार सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी ऐसा क्षेत्र जीवन का नहीं है जिसमें महात्मा बुद्ध और दलाई लामा जी की उपयोगिता ना हो। हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारे केव्स देखे होंगे, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि 83 का क्या मतलब है और किस रसायन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि उस समय जब महात्मा बुद्ध का समय था तो विज्ञान किस चरम पे था और आज विज्ञान कहाँ पर है, इसकी विश्लेषण करने की जरूरत है। आप देखिए किस तरह से समन्वय उस समय था और आज के समय क्या है। जिन लोगों ने अजंता एलोरा देखी होगी उनको पता होगा कि उस केव का नंबर है 17, उसको कैलाश केव भी कहते हैं। तीन संस्कृति, तीन महान विचारों का वो सम्मेलन स्थल है। एक तरफ से भगवान बुद्ध, दूसरे तरफ से देखेंगे तो भगवान महावीर और बीच में श्री कृष्ण, ये एक ही केव में एक ही पत्थर से में एक मूर्ति बनी हुई है, पूरा मंदिर बना हुआ है, सब कुछ। तो ये उस समय की कलाकृति, उस समय की टेक्नोलॉजी, किस तरह से उन्होंने विभिन्न प्लेसों पे केव निर्माण को चुना, क्यों गए, आज ये बहुत ही बड़ा एक वैज्ञानिक विषय पूरे विश्व में चल रहा है और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये केव का निर्माण हुआ कैसे, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि केव का डायमेंशन क्या होगा। आज आपके पास आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जियोटेक्निकल इंजीनियर हैं, तमाम संस्थाएं हैं। एक छोटा सा भवन निर्माण कराना हो तो 50 तरह की फाइलें मूव करती हैं प्रशासन में और शायद सब कुछ बिना देखे उस पर हस्ताक्षर हुआ करता है, लेकिन उस हस्ताक्षर का महत्व है। लेकिन उस समय वो डिजाइन कंसेप्ट क्या था जिसमें कि बिना पिलर के 80 मीटर हाइट का केव स्टैंड कर रहा है हजारों हजारों वर्ष से। तो ये कहना कि केवल वो मानवता के केवल संदेशवाहक दोनों लोग हैं और विज्ञान की कमी थी, ऐसा मैं नहीं मानता। आज कमी है विज्ञान की। विज्ञान कभी विध्वंस के लिए यूज करने के लिए बना नहीं। डायनामाइट का निर्माण नहीं हुआ होता यदि लोगों को पता होता कि इस तरह से हम उसको यूज करेंगे जहां की मानवता का विकास नहीं विनाश हो। तो आज के इस शुभ अवसर पे मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि इतने विद्वजनों ने बताया, लेकिन बुद्ध के जो विचार हैं वो हर समय और काल में सबके लिए उपयोगी हैं, सबके लिए अनुकरणीय हैं। क्योंकि यदि आप देखें उनके वर्तमान रूप में दलाई लामा जी को, तो ऐसा निर्भीक आदमी पूरे विश्व में नहीं। इतने भी दबाव आए, कितनी भी विषम परिस्थिति हुई, वो अपनी वाणी पे कभी भी उन्होंने विराम नहीं रखा और निर्भीकता से बोले। दूसरा पक्ष है निरहंकार, कोई ईगो नहीं। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि एक साजात सामान्य जन के पास जाकर उन्होंने पूछा आपका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ और उसे अपने तरफ से बताया, कि ये दर्शाता है कि कैसा
निरहंकार व्यक्ति, कोई अहंकार नहीं है जिसमें, और जिसमें अहंकार नहीं होता वही निर्विकार होता है, वही ईश्वर का रूप होता है। तीसरी बात है, अपने लिए कुछ नहीं है। आज सारे विषमताओं की जड़ अपना और पराये का जो दायरा है उसके कारण है। हम पहले गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़ा दायरा होता था, चार पांच पटेदार होते थे, बोलते थे कि एक परिवार के अंग हैं, हर सुख दुख में एक साथ रहते थे। वो दायरा थोड़ा छोटा हुआ, एक मकान में रहने लगे, अब और भी दायरा छोटा हुआ, अब फ्लैट में रहने लगे, अब उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK का कंसेप्ट आने लगा। जैसे जैसे दायरा मकानों का छोटा हो रहा है, आदमी की सोचने और समझने की प्रवृत्ति भी वैसे ही छोटी होती जा रही है, और उसी के कारण सारा असंतुलन पूरे विश्व में है। आज आर्थिक रूप से समृद्ध जो लोग हैं उनकी पहचान बहुत बड़ी है, वो धन कैसे भी अर्जित हुआ हो उसके बारे में नहीं पूछता, लेकिन आप सोचिए कि बुद्ध ने सब कुछ छोड़ करके, समर्पण करके, एक जनहित की भावना से, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में जो विश्व कल्याण के लिए उपयोगी है उन्होंने किया। उन्होंने अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अहिंसा का मार्ग नहीं लिया, और शायद जो लोग इस विधा में रहते हैं, इसके लिए व्यथित रहते हैं, वो शायद उतने याद नहीं किए जाते जैसे ये संत महापुरुष याद किए जाते हैं। जहां तक विश्वविद्यालयों में शिक्षा के ऊपर प्रश्न संचालक महोदय ने उठाया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये शिक्षा की जो नीति है इसके ऊपर कई बार बहस हो चुकी है। ये हमें किताबी ज्ञान देने की शिक्षा है, इसको हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं कि आप डाइजेस्ट करिए खाने के कंपटीशन में, और यदि डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो जाकर के कहीं पर उसको निकाल दीजिए। तो यही है, रात भर विद्यार्थी पढ़ता है, सुबेरे जाकर के लिख देता है, कक्षा से बाहर निकलता है, फिर से वो चीज़ें विलुप्त हो जाती है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो मार्क्स की चिंता नहीं करते, हमेशा कहते हैं भाई इतना परसेंट आना चाहिए। उसमें केवल छात्रों का ही दोष नहीं, गार्जियन का भी इतना प्रेशर हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना आजकल है। छात्र से ज़्यादा गार्जियन परेशान रहता है। हम लोगों को ऐसा दायित्व तो मिला है, पहले तो मुझे नहीं पता था जब मैं IIT बॉम्बे में था, लेकिन अभी 2 महीने दूसरा और उसका दूसरा दिन है, 2 महीने 2 दिन हुए हैं मेरे कार्यकाल। इतने फोन आते हैं कि जैसा कि आयुक्त महोदय ने कहा कि हम आज प्रण करते हैं कि हम सबसे अच्छे व्यवहार करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। हम लोग शिक्षक होने के नाते हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि सभी से मिला जाए, सबका काम हो जाए, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि व्यक्ति इतना सेल्फिश मोड में हमारे पास आता है कि उसको एक्सेप्टेबल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। वो बोलता है बस मेरा ही काम कर दीजिए, इसके बाद बाकी सब नियम कानून ठीक रखिए। ऐसी परिस्थिति है। हमारे शुक्ला जी, पांडे जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं नहीं जानता रामसिंह साहब को ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि नहीं। तो हम लोगों को ऐसे जगह पर रखा गया है कि हम शिक्षा का सुधार करने के लिए आए हैं, मुझे पता नहीं है। मैं तो 2 महीने से कूड़े उठवा रहा हूँ काशी विद्यापीठ में, इसका दोष मैं पूर्व कुलपतियों को नहीं देना चाहता हूँ और व्यवस्था को नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये फैक्चुअल सिचुएशन। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, जब कुलपति जी ने बताया कि मेरे यहाँ प्लास्टिक मेरे कैंपस में किसी भी चीज़ में नहीं यूज होता है। तो मैं आज के दिन यही सोचता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आज से विद्यापीठ कैंपस को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, जिसके लिए प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, और
मैं देखता हूँ प्रतिदिन अखबारों में पढ़ता हूँ कि आयुक्त महोदय मतलब पता नहीं कब सोते हैं, मुझे तो पता नहीं। मोदी जी के बारे में तो लोगों को पता है कि इतना सोते हैं, लेकिन इनके बारे में पता नहीं कर पाया मैं, क्योंकि रातों दिन बनारस के लिए, क्योंकि ये देवभूमि है, इतनी ऊर्जा है इस भूमि में कि यहाँ आकर के लोग पवित्र हो जाते हैं। मुझे तो इस हाल में बैठ के ही ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसे जगह पे इतना प्रयासरत यदि प्रशासन है तो हमें विश्वविद्यालयों में भी पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है। और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया, स्वच्छता, स्वच्छ रहिए, खुद को स्वच्छ रखिए, अपने घर को स्वच्छ रखिए, अपने पड़ोस को स्वच्छ रखिए, अपने समाज को स्वच्छ रखिए। और ये स्वच्छता केवल बाह्य नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ने हमेशा यही कहा है कि स्वच्छता जो है वो केवल बाह्य से नहीं चलेगा कि बहुत अच्छे कपड़े पहन करके और कलुषित विचार रखे। बुद्ध ने यही कहा कि मन, वचन और कर्म तीनों से जो एक लगता हो वो आप करिए, वही सत्य की परिभाषा है, दूसरी कोई परिभाषा नहीं है। और हर धर्मों में यही कहा गया है। हमें नहीं लगता कि किसी धर्म में अहिंसा के बारे में कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए कि अहिंसा के बारे में कोई लिखता हो कि नहीं हिंसा करनी चाहिए। ठीक है, अपना अपना हमारा व्याख्या है, उसके आधार पर हम व्याख्या करते हैं और अपने समय के अनुसार हम करते हैं। कभी कभी अपने पक्ष को रखने के लिए भी तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, लेकिन अहिंसा का हर समाज में, हर काल में वही महत्व है जो आज के दिन में है। और यदि हम इस तरह के महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन पद्धति में लाएं, अपने विचार में, आचार में, व्यवहार में यदि हम उसको थोड़ा भी ग्रहण करें, मैं तो कहता हूं कि मुश्किल है इस तरह की जिंदगी जीना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन 10%, 5%, 15% भी यदि हम उनसे कुछ सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ें, जिससे कि दूसरे का दुख देकर के आपको दुख हो, दूसरे का सुख देख के सुख हो, तो इतने से ही बहुत सारी समस्याओं का निराकरण समाज में हो जाएगा और सारे लोग सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन, जो आपको अधिकार है नैसर्गिक जीवन जीने का, प्रकृति को भी नैसर्गिक जीवन जीने का अधिकार है, उसी तरीके से एक सार्वभौमिक सर्वांगीण विकास समाज का तभी हो सकता है जब हम माननीय दलाई लामा जी के विचारों को, गौतम बुद्ध के विचारों को अनुग्रहित करें। और अनुग्रहित ही केवल करना नहीं है, आप उसको जीवन पद्धति बनाएं, जीवन में जीने की परंपरा, आदत डाल लें, हमारा जीवन और सुखी और समृद्ध और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम जैसे लोगों को भी याद किया, जिससे कि हमें यहां से एक ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि हम अपने दायित्व का और बढ़िया से और अच्छे तरीके से निर्वाह कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। और ये प्रसन्नता हुई कि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कूड़ा हटाने में इस समय बहुत ही लगनशील हैं। और अपने व्यक्तिगत स्तर से अनुरोध कर रहा हूँ कि उच्च शिक्षा में भी बहुत कूड़ा है सर, कृपया उधर भी आप लोग ध्यान देंगे। मैं आज देखिए, आपने भी एक संकल्प लिया और मैं संस्थान के माननीय कुलपति जी से आप सबकी तरफ से अनुरोध करूंगा कि महीने में एक सेमिनार इस तरह से आहूत हो और संकल्पित लोगों की संख्या बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब वो अवसर है जब हम अध्यक्षीय संबोधन सुनेंगे इस संस्थान के माननीय कुलपति जी, जो बौद्ध धर्म और दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं, पद्मश्री प्रोफेसर गेशे नवांग समतेन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर अपना अध्यक्षीय संबोधन दें। माननीय अध्यक्ष जी। सर्वदृष्टि प्रहनाय यस्सत्यम अदेशयत अनुकंपाम उपादाय तम गोदमम नमामि। पूज्य भिक्षु संघ, सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर टीपी सिंह जी,
काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति जी, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी, प्रोफेसर के पी पांडे जी, भूतपूर्व काशी विद्यापीठ के कुलपति जी, तथा हमारे वाराणसी के आयुध महानुभव, और यहाँ अपने इस अवसर पर पधारे हुए बंदे सुमेध थेरो जी, और वाराणसी के विश्वविद्यालयों के आचार्यगण, और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण, अतिथिगण, तथा अपने विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कर्मचारीगण एवं छात्र एवं छात्रों, तथा मीडिया के बंधु, आज परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और ये वर्ष हमारे इस संस्थान का 50वां वर्षगांठ भी है स्थापना के, और इस अवसर पर कई अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। आज परम पावन दलाई लामा जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं की, और आज हमारा यही लक्ष्य है कि परम पावन दलाई लामा जी के विचारों से और कृतियों से मानवता को किस तरह के योगदान प्राप्त हुआ है। जैसे लोगों ने कहा कि विपत्ति को संपत्ति में परिवर्तित किया, संपदा को विपदा को संपदा में परिवर्तित किया, और एडवर्सरीज को अपॉर्चुनिटीज में परिवर्तित किया, परम पावन जी ने अपने जीवन से प्रदर्शित किया। इससे बड़ा एक देश के लिए क्या हो सकता है कि पूरे अपने राष्ट्र पर किसी दूसरे का कब्जा हुआ और पूर्ण रूप से अस्तित्व मिटाने तक का भी प्रयास रहा, और 1959 के बाद जब से तिब्बत पर आक्रमण हुआ था, कब्जा हुआ था, तब से उसके अस्तित्व, उसकी संस्कृति, उसके संपूर्ण जो एक अस्तित्व है उसको मिटाने का प्रयास, और ऐसे एक विपदा और एक विपत्ति को सामना करते हुए परम पावन जी ने उसी विपत्ति को एक संपत्ति या एक अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तित किया साधना के माध्यम से, और उस साधना के माध्यम से ये तिब्बत में जो एक राजनीतिक और एक राष्ट्र मात्र का स्वरूप नहीं, परंतु भारतीय प्राचीन विद्या जो नालंदा और विक्रमशील, तक्षशील, उदंतपुरी आदि के प्राचीन भारतीय विद्या का जो एक परंपरा रही है वो तिब्बत में संपूर्ण रूप से संरक्षित संवर्धन होते रहे हैं, और 1959 के समय फिर एक ऐसे अवसर आया कि उसका संपूर्ण रूप से एक लुप्त होने का एक कगार पर थे। तो ऐसे परिस्थिति में परम पावन दलाई लामा जी ने अपने यहाँ भारतवर्ष में संरक्षण ग्रहण करते हुए फिर यहाँ के सरकार एवं जनता के अनुकंपा से यहाँ संपूर्ण रूप से पुनर्विकसित करने का अवसर मिला, और यहाँ तक ही नहीं पूरे विश्व में एक नालंदा परंपरा को टिबेटन बुद्धिज्म के नाम से संपूर्ण विश्व में जिस तरह से एक व्याप्त हो गए हैं और एक फेनोमेना बन गए हैं, वो फिर आप सभी देख सकते हैं, जो न केवल एक धर्म के रूप में अभी तो एक संस्कृति के रूप में, एक विद्या के रूप में, एक साइंस के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में, ये जो जिस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया है, तो वो एक उससे ही परिलक्षित हो सकता है कि ये परंपरा कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरह से दुनिया के सामने रखा है परम पावन दलाई लामा जी ने। परम पावन दलाई लामा जी ने इन सारी चीज़ों को एक प्रोपेगेंडा के रूप में, एक धार्मिक एक प्रचार के रूप में कदापि उन्होंने किया नहीं, और न उसके पक्ष में हैं परम पावन जी। इसलिए उन्होंने जिस परंपरा में इस तरह के संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़,
जो साइंस ऑफ माइंड है, फिलॉसफी है और माइंड ट्रेनिंग है, इस तरह की चीज़ें जितने भी गंभीर रूप से और सूक्ष्म और व्यापक रूप में इस परंपरा में पाया जाता है, वो संपूर्ण मानवता के लिए एक उपहार के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। उसी के स्वरूप अनुकंपा से प्रेरित होकर के दुनिया के सामने रखे हैं। इसीलिए जैसे ग्रंथ बियॉन्ड रिलीजन जैसे, ये सॉलिनेस का यही विचार रहा है कि फिर धर्म मात्र से मानव का संपूर्ण कल्याण नहीं होने वाले हैं। अगर धर्म मात्र से होगा तो किस धर्म के आधार पर होगा, विभिन्न धर्म की परंपराएं हैं, तो इसलिए धर्म के बाउंड्री से बाहर जा कर के हमें एक संपूर्ण मानवता के उपकार के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस हॉलीनेस से जिस तरह नालंदा के परंपरा को दुनिया के सामने रखा है, उससे कई प्रकार के आज दुनिया में एजुकेशन एक चीज़ है, साइंस दूसरी चीज़ है, धर्म तीसरी चीज़ है, जो संपूर्ण मानवता इससे संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, और इन्हीं तीनों में ही फिर लोग जी रहे हैं। तो इसलिए जब बुद्धिज़्म में और नालंदा की परंपरा में जिस तरह वस्तु स्थिति को लेकर के और एक मेंटल स्थिति को लेकर के, माइंड सिस्टम को लेकर के दुनिया के सामने रखा और करुणा और मैत्री को जागृत करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, फिर किस तरह कहाँ किस तरह से एक लोगों के सामने इस समस्या को रखा जा सकता है और इस समस्या से फिर इस समस्या का समाधान के रूप में किस तरह से लोगों के सामने रखा जा सकता है, इस सिलसिला को लेकर के अब वैज्ञानिकों के साथ उनका बराबर, दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के साथ बराबर ये डायलॉग होते रहे हैं। और ये डायलॉग मात्र एक डायलॉग तक ही सीमित नहीं है, एक इंटरेक्शन मात्र तक ही नहीं, लेकिन बहुत ही गंभीर रूप से संपूर्ण वैज्ञानिक के जगत में एक नया आयाम खुल गए हैं। और पहले हम लोग मानते भी थे कि विज्ञान जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं और मटेरियल वर्ल्ड तक ही सीमित रखते हैं। अब पिछले दो दशक से जब से इस प्रकार के एक परंपरा चलती आ रही हैं, इसके चलते न्यूरोफिजिसिस्ट्स और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट्स ऐसे लोगों की जो एक प्रवृत्ति है वो एक मेंटल सिस्टम में, इमोशंस में, मेंटल स्टेट में प्रवेश करते हुए एक रिसर्च करने लगे हैं। और वो रिसर्च मात्र एक अध्ययन तक ही सीमित नहीं, अपितु एक एप्लीकेशन, अप्लाइड सिस्टम बन गए हैं कि आज ये न्यूरोसाइंस लोग, न्यूरोसाइंटिस्ट लोग कैसे हम क्रोध को कम कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ क्रोध के बारे में भी चर्चाएं हो रही है, आज बहुत ही एक वो है रेलेवेंट, करुणा और मैत्री और क्रोध और द्वेष को कम करने की जो बात आज हो रही है कई लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही एक बहुत परम भवन दलाई लामा जी के लिए बहुत ही एक प्रिय विषय है। इन्होंने इस चीज़ को वैज्ञानिकों के सामने रखते हुए, वैज्ञानिकों ने भी ये खोज किया कि क्रोध, द्वेष और फिर इस तरह के हमारे काम और मेंटल डिस्ट्रक्टिव इमोशंस किस तरह हमारे एक भीतर के जो एक व्यक्तित्व है उसको विनाश करता है और हमारे शांति को भंग करता है। एक व्यक्तिगत वैयक्तिक परिस्थिति ऐसे होती है तो फिर उससे समाज का भी परिणाम होता है। तो साइंटिस्टों ने भी अभी उच्च उस तरह के स्तर पर तो नहीं बात कर रहे हैं कि जहां फिर क्लेशों का, क्रोध का, द्वेष का संपूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सके, लेकिन वहां तक जरूर बात करते हैं और शोध भी कर रहे हैं और शोध के माध्यम से फिर ये लोगों तक अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ला रहे हैं कि हम कैसे क्रोध को कम कर सकते हैं और कम करने की कैसे प्रक्रिया है। उसमें फिलोसोफर्स को भी और मेंटल साइंटिस्ट लोगों को भी और जो साधक है जो हिमालय में करीब
50-60 हजार गंडों तक उनका प्रयास रहे हैं, साधना रहे हैं, ऐसे लोगों को बुला करके फिर ये प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप आज अनेक प्रकार के एक उपलब्धियाँ हुई हैं, और हमारे न्यूरॉन्स कैसे हैं, और ऐसे एक न्यूरोलॉजी लोगों का मान्यता रही है कि न्यूरॉन्स स्टैटिक होते हैं, हमारे भीतर जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है वो स्थायी होता है, इसमें परिवर्तनशील, ये परिवर्तनशील नहीं होता है, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये प्राप्त किया गया कि न्यूरॉन्स परिवर्तनशील है। इसी के आधार पर एक बहुत ही बड़ी नया जो डिस्कवरीज हुआ है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, और न्यूरॉन की जो प्लास्टिसिटी की जो नेचर है वो फिर साधना के माध्यम से बन सकते हैं, स्वतः होता नहीं है, लेकिन साधना के माध्यम से न्यूरॉन प्लास्टिक हो सकते हैं, ये बदला जा सकते हैं। इतना ही नहीं, न्यूरॉन्स के भीतर आपस में जिस प्रकार के सर्किट्स होते हैं वो पहले सोचा जाता था कि सर्किट्स सीमित है, पहले से ही डिफाइंड है, लेकिन ये पता चला कि न्यूरॉन्स के जो सर्किट्स हैं वो नया बनाया जा सकता है, साधना के बल पर नया बनाया जा सकता है, पुराने सर्किट्स को ख़त्म किया जा सकता है और नए सर्किट्स बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव सर्किट्स बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, हमारे जीन्स के जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो बहुत बहुत ही बात की उपलब्धि है कि वो भी पहले माना जाता था कि बिल्कुल वो सब पर अपरिवर्तनशील है, लेकिन अब साधना के बल पर ये पता चला कि ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, और न्यूरॉन्स के और जीन्स के एक्सप्रेशंस भी हम साधना के बल पर बदला जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ जब साइंटिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और फिर कॉग्निटिव साइंटिस्ट लोगों के, बायोलॉजिस्ट लोगों के डायलॉग हुए, तो ईश्वर ने इसने कहा कि शुरू में 1980s में अगर आप लोग इस तरह करते हैं तो फिर ज़रा आपके अपने प्रयोगशाला में इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि क्रोध कैसे कम किया जा सकता है, उसे क्या प्रभाव हो सकता है, उसे एक बायोलॉजिकली कुछ किया जा सकता है, न्यूरोलॉजिकली कुछ किया जा सकता है कि नहीं, और फिर न्यूरॉन सिस्टम में कुछ परिवर्तन आ सकता है कि नहीं, तो फिर करने लगे तो गजब के उपलब्धियाँ हुई हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ से लेकर के आज एजुकेशन में भी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जब लोगों के सामने तथ्य स्पष्ट है तो इसके आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन सिस्टम्स में आज फिर ये इमोशनल ट्रेनिंग्स, सोशल इमोशनल ट्रेनिंग्स और सोशल इमोशनल लर्निंग्स, और फिर ये जो है इमोशनल रेगुलेशंस, हम अपने इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, दबाने की बात नहीं कर रहे हैं, इसे किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं, हमारे पास पूरी क्षमता रहती है। जैसे अभी हमारे माननीय आयुध जी ने कहा कि हम आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत ही बड़ी बात है, तो इस तरह से हम प्रतिज्ञा करते हुए अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हुए दुनिया में अगर कोई सारे समस्याओं का जड़ है तो हमारे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं, और डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हम डायरेक्टली एड्रेस कर सकें तब इसके विपरीत करुणा मैत्री आदि का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है, और इसके आधार पर न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही शांति और सुख हम ला सकते हैं अभी तो समाज में भी ला सकते हैं। और इसलिए परम पावन जी का ये बहुत ही एक विशेष उनका एम्फेसिस रही है कि पिछले यहाँ ये एनुअल वाइस चांसलर्स, ऑल इंडिया वाइस चांसलर्स मीट के समय भी उन्होंने इसी पर जोर दिया कि इमोशन माइंड, हिज होलीनेस के एक बहुत ही एक प्रिय शब्द फ्रेज है कि मैप ऑफ द माइंड को सीखना चाहिए कि हमारा मैप कैसे है, मेंटल मैप कैसे हैं और कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और उसको अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करते हुए फिर रेगुलेट करना चाहिए, और माइंड ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने जो एक समाज में
एक सुख शांति लाने के लिए, सुख शांति लाने के लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, लेकिन भीतर से लोगों में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं तब ये सबसे स्थायी और एक उचित और बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिससे पूरे समाज में शांति लाया जा सकता है। और एक दूसरा परम पावन जी का वो है कि विश्व के विभिन्न धर्मों के बीच में एक हारमोनी बने, तो हिस होलीनेस का यही भी प्रयास रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के जितने भी बड़े बड़े हमारे वो हैं धर्म हैं, इनमें परस्पर एक हारमोनी बनाने के लिए फिर प्रयासरत हैं कई वैश्विक स्तर पर और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में एक नेशनल लेवल पर कई प्रकार के आयोजन, और आयोजन के माध्यम से ही नहीं, उनके एक ग्रंथ है एफिनिटी रिलीजियस हार्मोनी लाने के लिए एक किताब उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिलीजन, सभी रिलीजन के अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, फिर अपने विभिन्नता को अब रिस्पेक्ट करते हुए, फिर अपने अपने संप्रदाय या उसको अच्छी तरह से जानें, और दूसरे संप्रदाय और दूसरे रिलीजन के प्रति भी एक सम्मानजनक भावना पैदा हो सकें, तो यही एक माध्यम है। और हिस होलीनेस धर्म परिवर्तन के भी अगर जबरदस्ती करके अगर किया जाए तो हमेशा कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। यदि अपने इच्छा से अगर करें तो वो तो फिर ह्यूमन राइट होता है। तो इस तरह से उनके धर्म के प्रति, एजुकेशन के प्रति और मानवता के प्रति जिस प्रकार एक अपने पॉजिटिवनेस उजागर करने के लिए और नेगेटिविटीज़ को फिर कम करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं संपूर्ण विश्व में शांति लाने के लिए, मैं समझता हूँ कि आज हम सभी को एक शिक्षा संस्थान होने के नाते शिक्षा में इसे ज़्यादातर लाया जाए, तो शिक्षा संस्थानों से जो छात्र उत्तीर्ण होकर के समाज में जाते हैं उसका प्रभाव बहुत ही एक दीर्घगामी और गंभीर प्रभाव हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इसका प्रयोग और प्रयास हमारे शिक्षा संस्थानों में और स्कूलों में भी किया जाना चाहिए। अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन स्कूल्स में हजारों की संख्या में स्कूल्स में ये सारी चीज़ें प्रयोग अभी प्रारंभ हो गए हैं और जिसका फल सबको देखने को भी मिल रहे हैं। और शुरुआत में कुछ ये माता पिताओं के द्वारा कुछ ये उनका रिजर्वेशंस भी था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब छात्रों में, बच्चों में परिवर्तन आने लगा तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बिल्कुल होना चाहिए, सभी जगह होना चाहिए। सभी लोगों का ये मंतव्य है कि इस प्रकार का प्रयोग स्कूल से शुरू हो ताकि हमारे समाज में आगे जा कर के एक शांति का ऊपरी ऊपर नहीं लेकिन भीतर से लोगों में परिवर्तन लाते हुए शांति और सुख हम प्रदान कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम आज के दिन सही माने में परम पावन दलाई लामा जी के प्रति हम एक आदर व्यक्त हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने संस्थानों के बीच में, अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ गुणवत्ता परिवर्तन लाने में, पॉजिटिव ये ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, तो यही एक सबसे बड़ा एक उनके लिए श्रद्धा सुमन हो सकता है। आज मैं विशेष रूप से हमारे यहाँ अतिथिगण और फिर विभिन्न विश्वविद्यालय के सभी विद्वद्वृंद और संगठन के अनेक लोग आए हैं, और फिर यहाँ जितने भी यहाँ एकत्रित हुए हैं सभागार में आए हैं, सबके प्रति मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के दिन हम अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए एक पर्व के रूप में ये माना जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु अभुतम भन्ते अच्छरियम भन्ते, बहुत कृतार्थ हैं हम सब आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन को सुनकर। एक नया परिदृश्य कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पूर्व एक सूचना आपको दे दूं। इस कार्यक्रम के अंत में आधे घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर होगा, जिसमें जीवन ज्योति के बच्चे परम पावन
कुछ समर्पित एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद संस्थान का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और तत्पश्चात आप सभी से अनुरोध होगा दोपहर के भोजन के लिए। कार्यक्रम के अंत में मैं मंचस्थ विद्वज्जन तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं संस्थान के कुल सचिव माननीय डॉक्टर आर के उपाध्याय जी को। आप आमे और सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। पवन पावन दलाई लामा जी के 83वें जन्म दिवस उपलक्ष्य में और इस अतिशा हाल में बैठे हुए हमारे शिक्षक वृंद, मंच पर बैठे हुए और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर जी एन शांतेन जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर टी एन सिंह जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर परम आदरणीय प्रोफेसर के पी पांडे जी भूतपूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मंच पर आसीन वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और मठों से आए हुए बौद्ध भिक्षु गण, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय का 50वीं वर्ष स्वर्ण जयंती के एक कार्यक्रम का एक विस्तार में ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ हम सभी जानते हैं, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे संस्थान में परम पावन दलाई लामा जी का 83वीं जन्म दिवस अनेक कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे संस्थान में वर्ष 2018 को अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय हम लोगों ने लिया और इस अवसर पे इसी तरह के कार्यक्रम और भविष्य में आयोजन करने का विचार है। मित्रों, यह कार्यक्रम भी स्वर्ण जयंती वर्ष के आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। विश्व में पैदा हो रही वैचारिक शून्यता, संवादहीनता, वर्चस्व के संघर्ष के इस दौर में लुप्त हो रही मानवता को बचाने की मुहिम में अगर हमें आशा की कोई किरण दिखाई देती है तो वह है कि सर्वव्यापी सर्वग्राह एवं सर्वप्रिय परम पावन दलाई लामा जी के विचारों में परम पावन दलाई लामा जी ने विश्व को एक नवीन दृष्टि के साथ नवीन नेतृत्व देने का महनीय कार्य किया है। करुणा से ओतप्रोत उनका जीवन एवं कृतित्व हम सब में मात्र के प्रति करुणा एवं मैत्री का भाव जगाता है। अपने जीवन काल में परम पावन जैसा महामानव न सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए, बल्कि अपने आचरण से सीख देने वाले गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। पर्यावरण संबंधित विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। समस्त विश्व में तिब्बती बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। परम पावन आपकी इस समस्त स्वउद्देश्य गरिमापूर्ण एवं महिमामय कार्यों चर्चाओं हेतु मैं इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव के रूप में एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं की ओर से हृदय से आभार प्रकट करते हुए आपके शतायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आप स्वस्थ रहें। हमारी समस्त गतिविधियों के पीछे एक मजबूत सबसे संबल के रूप में खड़े हमारे प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवांग शांतेन जी के प्रति हम अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उन्होंने पल पल के कार्यक्रमों क्रियाकलापों पर पैनी नज़र रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अपनी तरफ से उनको कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय प्रोफेसर टी एन सिंह जी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके यहाँ पे
मात्र उन्होंने एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए कहा था कि उपाध्याय जी जल्दी छोड़ दीजिएगा, लेकिन यह कार्यक्रम धीरे धीरे लंबा होता चला गया और मैं उनको साधुवाद देता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी के प्रति, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने सारगर्भित विचारों से हम लोगों को लाभान्वित उन्होंने किया है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा वाराणसी मंडल के नवनियुक्त मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी को, जिन्होंने सहज रूप से हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अति व्यस्ततम प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय आपने निकाला। मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर केपी पांडे जी हम परम आदरणीय हम लोगों के संरक्षक, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ कि इस अवस्था में भी उन्होंने इतना समय देकर इस मंच पर और अपने विचारों को उद्बोधन दिया और हम उससे लाभान्वित हुए। और श्रद्धा की बात, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे आचार्यगण, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ जो कि उन लोगों ने इतना समय इस सभागार में बैठ करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया है। मीडियाकर्मी और ये दूर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो समय से आकर और उसको अपने पत्र पत्रिकाओं में जगह देते हैं, जिसे समाज में एक नया संदेश के रूप में जो यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं विमर्श करते हैं वो उससे समाज लाभान्वित होता है। अंत में मैं सभी को इस सभागार में बैठे हुए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जिस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने अपना समय दिया है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था, आप अपने स्थान पर बैठे रहें। कुछ देर के लिए मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मंचासीन सम्मान्य अतिथियों से अनुरोध है, कृपया मंच के सम्मुख आकर अपना स्थान ग्रहण करें। त्वरित गति से इसकी व्यवस्था किया जाए। मेरी राहों में उजियारा
वर्षा मुझ में भर दे नव जीवन तू ही सत्योर जीवन तू ही प्रेम सजीवन जल तेरी कृपा की वर्षा मुझ में भर दे नव जीवन जीवन के हर पल में सदा तुम साथ दो प्रभु मेरे इस दुनिया में सच्चाई की आवास दो प्रभु तेरी जीवन के हर पल में सदा तुम साथ दो प्रभु मेरे इस दुनिया में सच्चाई की आवास दो प्रभु मेरी Thank you so much for the great performance. Kangri da we ko we shin kham su pen dang de wa ma li chung we ne jin le sin wa tin jin kya chu yi sha pe se the ba do thank you ji. In the heavenly realm surrounded by a wall of snow mountains, the source of happiness and benefit for beings is the Lord Tenzin Gyatso the generous Sikh. May his life be secure till the end of the universe. Good morning, Honorable Vice Chancellor, respected teachers, staffs, chief guests, and my beloved friends. I'm Tenzin Doma of UM First Year as your host on this auspicious occasion of His Holiness the Dalai Lama's 83rd birthday. I extend my warmest wishes to His Holiness the Dalai Lama as he marks his 83rd birthday today. People from different walks of life around the world are inspired by his message of peace, compassion, and nonviolence. I wish you health and happiness, Your Holiness. Happy birthday. And to celebrate this auspicious day, we have some cultural dance performances from each of the three provinces of Tibet, namely Amdo, Kham, and Usam. Initially, we have Amdo province. Amdo is one of the three main regions of Tibet found in the northeast corner of the Tibetan Plateau. It is a home to approximately 25% of the total Tibetan population. Moreover, it is the birthplace of His Holiness the 14th Dalai Lama. Please welcome the cultural Amdo dance performers on the stage. Yeah.
much for that incredible performance. Next, we have Kham province. Kham is also one of the three main traditional regions of Tibet and is located in eastern and southeastern corner of Tibetan Plateau. Kham is home to approximately 35% of the total Tibetan population. May I please welcome the cultural Kham dance performers on the stage, please. That was so great. Thank you so much. Now, for the last performance, we have Yuchang province. Yuchang is the other three main regions of Tibet. Moreover, it is a holy place located in the center of Tibet. And for the last performance, please welcome Yuchang dance performers on the stage.
performance. And with this, we conclude our morning program for this auspicious occasion. And I would like to wish His Holiness the Dalai Lama happy birthday. And we all love you so much. And it's time for lunch. Have a nice lunch. मैं आयोजन मंडल की ओर से सभी युवा कलाकारों को जिन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद विशेष करके जीवन ज्योति के बच्चों का जो जीवन ज्योति नहीं दिव्य ज्योति उस दैवीय ज्योति के धरोहर जिनके पास है जिनके पास ईश्वर ने वह प्रतिभा वह सम्मान वह नृत्य दिया है जो शायद हम आंख लोगों के पास नहीं है बहुत बहुत बधाई सिस्टर को बहुत बहुत बधाई जीवन ज्योति के जो हमारे बीच में आई हैं और जिन्होंने तिब्बत की लोक कला को लोक नृत्य और लोक नृत्य को हमारे सामने जीवंत किया एक उल्लास एक गति एक लय से भरा हुआ सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सबके लिए हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए दोपहर की भोज की व्यवस्था है सह नव भुनक्तु आप साथ साथ हमारे आवें और उत्सव में सहभागी बने बहुत बहुत धन्यवाद